आपका थोड़ा सा टाइम भी चेंज हुआ और आपका डे भी चेंज हुआ है, तो आपका द सेम 3 डेज हमारी क्लास हुआ करेगी, बिकॉज थोड़ा बिजी हूँ मैं बाकी डेज में, तो आपकी जो लाइव आपके साथ जैसे मैं बात कर रही हूँ वो पॉसिबल नहीं होगा, दैट्स वाई इन डेज पे आ गए हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि कुछ लोगों को तो जरूर ये होगी इनकन्वीनियंस, मगर वो फिर उनके लिए ये है कि दे कैन ऑल्सो गो फॉर रिकॉर्डिंग, और दूसरा ये है कि अदरवाइज अगर आप सिर्फ जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं दे स्टे होम, तो उनके लिए तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, एंड पर्टिकुलरली दो जो आर वर्किंग उनके लिए बल्कि अच्छा है, वो संडे को भी आप आराम से मुझे बात कर सकते हो, और जब आप वर्किंग डेज पे मेरे साथ काम बात नहीं कर सकते, मुझे नहीं मालूम कि इफ़ यू हैव योर सैटरडेज ऑन और ऑफ, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादा रिवाज नहीं है सैटरडेज ऑफ करने का, हम सैटरडेज ऑन रखते हैं, हम ऐसा नहीं कर सोचते कि इंसानों को अपनी वेल बीइंग के लिए भी कोई टाइम चाहिए होता है, बट मोस्टली हमारा जो है द करिकुलम द सेटअप इज मोस्टली एक्सेप्ट फॉर बैंक्स, वो भी कोई ना कोई ब्रांच खुली होती है, तो हमारे जो है सिस्टम कुछ ऐसा है, बट इन फॉरेन कंट्रीज यू हैव सैटरडे एंड संडेज ऑफ, और जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं तो उनके भी फ्राइडे एंड सैटरडे उनका होता है, तो देयर संडे इज ऑन बिकॉज ऑफ जुमा प्रेयर दे ऑल हैव दिस, तो बस कोई बात नहीं, थिंग्स गो ऑन एंड ऑन, जिंदगी ऐसे ही चल रही है, चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज मीटिंग्स, तो अभी हम एक्चुअली जो आपके सिलेबस का एरिया है जिसमें कि ग्रुप्स आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप्स का आपका फोकस है, उसमें से हम आज मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग में आपको बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और ये भी मैं एक चीज़ क्लियर अभी कर दूँ, इंशाल्लाह जो संडे को आपकी क्लास होगी उसमें अब आपको मैंने ये सबसे सुटेबल मेथड ये देखा है कि व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गिव यू एमसीक्यूज, जो मैं समझती हूँ कि ऐसे एमसीक्यूज जिसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो है वो स्टूडेंट का है दैट इज लैक ऑफ वोकैबुलरी। एक लफ्ज आ गया जी, हाउ कैन अ बॉस टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, अब आपको प्रिवेंटिव मेजर्स का नहीं पता, मसलन एक मिसाल, ये नहीं मैं कह रही आपको नहीं पता, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो मैं आपको एमसीक्यूज वो वाले वेयर यू नीड टू लर्न सम वोकैबुलरी, जब मैं वो आपको एक दिन तो दे दूंगी, ठीक है, आपको मैं व्हाट्सएप जो आपका है ग्रुप उसके अंदर शेयर कर दूंगी, संडे को आप आराम से उसे कीजिए, सॉल्व इट, आंसर रखिए, व्हेन यू वुड हैव माय क्लास, तो मैं सामने आपको स्क्रीन पे रखकर आपको उसका आंसर भी बताऊंगी और साथ आप उसकी रीजंस भी बताऊंगी, एंड इफ देयर इज सम वोकैबुलरी जो आपको आनी चाहिए या उससे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है जो आपके पास मिसिंग है, मैं आपको वो गाइड कर दूंगी, तो इनशाला आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको वैसे भी मैं आपको बताती चलूँ, एमसीक्यूज के लिए दो चीजें आपको बहुत रिक्वायर्ड होती हैं अदर देन नॉलेज ऑफ द सिलेबस, सिलेबस तो आपको आना ही चाहिए एंड द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज भी आपकी होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपकी ये है, यू शुड बी बोल्ड एनाफ टू मेक अ डिसीजन, इफ यू डोंट मेक अ डिसीजन ऑन टाइम आप कर ही नहीं पाओगे और इनडिसाइसिव रहोगे, पता नहीं ये करूं या वो करूं, और फिर क्या होता है, या वो जैसे वो बच्चे खेलते ना इनी मीनी वो खेल लो तो फिर देखो कि कौन सा आंसर आता है, ये भी एक फनी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता, और फिर वो जो है दूसरी बात ये है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, नॉलेज है आपके पास, आप गुड हैं इन डिसीजन, आपकी दिमाग जो है वो फॉगी नहीं होता, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है एंड यू डिसाइड अ थिंग इन अ वे। अब मैं आपको ऐसे सवाल भी आपको देखेंगे आप जिसमें आपको लगेगा कि दो आंसर क्लोज हैं, बट आई वुड गिव यू आर्ग्यूमेंट्स ऑन इट, व्हाई इज इट सो कि बी ही ठीक है या सी ही ठीक है या डी ही ठीक है, तो मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूंगी, बिकॉज एक चीज जरूरी याद रखो, वो कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आपको सारा नॉलेज आपका बेकार हो जाएगा इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड इन एग्जाम, अगर आप एग्जाम नहीं सही दे पाते और फुल ऑफ नॉलेज आप हैं
तो हाउ कैन यू बी लाइक पासिंग एग्जाम, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे और साथ साथ अपनी तैयारी प्लीज रखिए. मैं एक दफा आपको रिवाइज जरूर कराऊंगी सारा कुछ. आपकी रिपोर्ट जो है लिखनी है आपको आनी, और आपको लेटर लिखना आना है जिसकी आप उम्मीद है, क्योंकि यू आर डूइंग सम प्रैक्टिस. आपकी टाइपिंग स्पीड शुड बी टू गुड एंड सम ऑफ द स्टेटमेंट्स यू आर लर्निंग लाइक बिगिनिंग ऑफ एनी लेटर एंड द एंडिंग ऑफ अ लेटर and the beginning of a report and ending of a report and the parts of the report and every part starts with a segment, wo aapko maine achhi tarah yaad karaya hai, bataya hai, wo aap karenge, theek hai. To ab hum wapas aate hain apne topic pe hi. Ye baat isliye karni sab zaruri hoti hai ki aapko taiyari karwani hai, aapko acha sa exam aap denge. Aur वैसे भी I try my best. अभी तो आप like physical class तो नहीं है, but mostly people, I don't think so, they are sick of my talks in a way. मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने उनको कोई ना कोई चीज बतानी है that is good for their life. ठीक है, तो आपको जरूर मैं गाइड भी साथ साथ करती जाती हूँ, या कोई सिनेरियो या कोई स्टोरी आपको बता देती हूँ, या कोई ऐसी चीज है जो आपको कन्वे करनी हो. अब आप आते हैं मीटिंग्स की तरफ. अब the word meeting is very like a common word, is a very familiar word. आपने हजारों दफा इस लफ्ज को इस्तेमाल किया. ठीक है, बॉस इस वक्त मीटिंग में है, मैं बात नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में हूँ. अब मीटिंग है क्या? क्या आपने पूरा एक बोर्ड रूम, जो पूरा एक बोर्ड रूम होता है उसमें बैठ के ही आप बैठे हो तो मीटिंग होगी? ऐसा तो नहीं होता. तो मीटिंग है क्या? मीटिंग जब भी दो या दो से ज्यादा लोगों ने किसी टॉपिक पे बात करनी है, दे होल्ड अ मीटिंग. अब मीटिंग की जरूरत कब पड़ती है? मिसाल के तौर पर एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. अभी आपको जो मैं कुछ टॉपिक्स, जो मिक्स किस्म के टॉपिक्स हैं, जो आपका इनडायरेक्टली हिस्सा है आपके सिलेबस का, वो अभी मैंने उस पर आना है, वो सारा कुछ भी करवाना है आपको, साथ साथ आपको उसके साथ आके कंप्लीट आपका जो है बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्ट राइटिंग का सारा कुछ आपको अच्छी तरह आ जाए. ठीक है, तो वहां पे भी हम इस चीज को देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वेरी कॉमन थिंग. एंड यू नो वेरी वेल कि आप कॉन्फ्लिक्ट तो अवॉइड ही नहीं कर सकते. अगर आप कहें ना कि बहुत ही हर चीज जो है ऐसे गुडी गुडी हो रही है और लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस, ऐसा कभी नहीं होता. लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लगता है आप किसी अफसाने की बात कर रहे हैं. ऐसा फिल्मों में, ड्रामों में तो हो सकता है, लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता. आपके अपने अपने सिबलिंग्स हैं, यानी बहन भाई, आपने देखा नहीं कितना मिसमैच हो जाते हैं. आप लड़ पड़ते हैं, किसी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, किसी बात पे डिसएग्री करते हैं. खुदा ना खासा झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है सबसे ज्यादा पेरेंट्स को कि आप बच्चे जो है अगर किसी बात पे झगड़ा करें, चाहे वो छोटे हों. छोटों को तो खैर कोई बात नहीं होती फिर भी, लेकिन जो ग्रोन अप्स करते हैं, और स्पेशली जो लोग अपने अपने घरों में सेटल हो जाते हैं और फिर वो लड़ाइयाँ करते हैं, जैसे हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में भी बड़ा कॉमन है. इवन देख लें, हर जगह है, हर जगह. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक सिर्फ देसी लोग नहीं रह गए लड़ने के लिए, लेकिन जरा देसी बेहुदा तरीके से लड़ते हैं ना. वर्डिंग जरा, कहते हैं ना अंग्रेजी में गालियाँ दो तो शायद जरा अच्छी लगती है, वही पंजाबी उर्दू में दोगे तो ज्यादा बुरी लगती है, या बाकी जो भी लैंग्वेजेस है पश्तो में दे लो, मुझे नहीं पता हो क्या बोल सकते हैं, तो या सिंधी में बोल लो, कोई भी लैंग्वेज में बोल लो. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आपके झगड़े होते हैं. व्हेन पीपल हैव कॉन्फ्लिक्ट्स दे आर गोइंग टू निगोशिएट. निगोशिएशन जो है इज अ काइंड ऑफ लाइक बार्गेन. आपने लोगों से कुछ, आप छोड़े अपने पॉइंट पर, कुछ मैं छोड़ू, तो हम बार्गेन करके एक सोल्यूशन निकालती है. ठीक है, ये सारा मैं आपको इनडायरेक्ट जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर कराऊंगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो हैं वो सीए की बुक में जगह जगह पढ़े हुए हैं. और आपको मेन टॉपिक जो है, मेरा पहला फोकस है कि आपके सिलेबस के मुताबिक आपको राह करा दिया जाए, जिनका जिक्र है. अब कुछ बड़े डिप्लोमेटिक टॉपिक्स हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कवर होना चाहिए, इसलिए मैं कोई भी नहीं रखना चाह रही कि कोई एम्बिग्विटी हो, आपको क्लैरिटी ना हो. तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एवरीथिंग. अच्छा जी, अब आपने कहा जी मैं मीटिंग्स में निगोशिएशन, बार्गेनिंग की क्यों जिक्र कर रही हूँ. भाई दो लोग मिलके बैठोगे, मीटिंग करोगे, तो झगड़ा खत्म होगा ना, तभी बात कहीं
लगेगी, यानी सिरे चढ़ेगी. तो दिस इज हाउ वी जस्ट से दैट मीटिंग्स आर समटाइम्स इनएविटेबल, एसेंशियल, यू कांट अवॉइड. आपको हर हालत में ये करनी होती है. अब जैसे कि आप यहाँ पे, मैंने बड़ी सिंबॉलिकल पिक्चर ली है, आप जरा पिक्चर पे आ जाइए, फिर मैं आपको सारी इसकी डिटेल बताती हूँ. ये देखिए, एक राउंड टेबल लोग बैठे हैं, इस कॉल्ड कैबिनेट स्टाइल, जिसमें लोग राउंड टेबल, जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं, हर रेस्टोरेंट में इतना बड़ा टेबल नहीं होता, लेकिन ये पर्पजली एक आपका मीटिंग टेबल बना हुआ है. आपने देखा हर पर्सन जो है, हर पर्सन का रंग फर्क डाला है. ये बड़ी सिंबॉलिकल है, पता नहीं किसी ने बनाते वक्त ये सोचा है कि नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में सोच रही हूँ. डीप जरा कहते हैं ना, रीड बिटवीन लाइन्स, कि आप जरा डीप सोचिए. आप देखते हैं कि एक पर्सन अगर ग्रीन है तो उसके हाथ में ग्रीन उसका पजल का एक चिप या एक पार्ट है. एक ब्लू है, एक पर्पल, रेड, जो जो येलो, सब कलर्स है, ठीक है. अब इसका मतलब है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है, ये हर बंदे के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है. हर्टा मर्फी की बुक जो आपके सिलेबस में है, उसने बड़ी खूबसूरत शुरू में बात लिखी भी है. उसने कहा कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद अ मैप इन हिज माइंड. क्या मैंने कहा? एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद अ मैप इन हिज माइंड, कि उसके दिमाग में एक नक्शा होता है. विद अ मैप इन हिज माइंड एंड नो टू मैप्स आर अलाइक. दुनिया में कोई दो नक्शे दिमागी एक जैसे नहीं हो सकते. आपकी पसंद, कभी कभार आपकी दोस्तियां हो जाती हैं, यार मेरे जैसा है, मेरे जैसी है, बिल्कुल वही सोच है, वही पसंद है, वही जिंदगी है, उसकी जिंदगी में ये हुआ, मेरे भी हुआ था, बड़ी बातें मिलती हैं, ठीक है ना. और कई दफा हम देखते हैं कि पीपल दे बिकम कपल्स इन दैट वे, और दे एंड अप हैविंग इवन शादी, व्हेन दे आर एंड अप एज शादी, आखिर में वही लड़ाइयां. अब कहां गई हार्मनी, मैचिंग नहीं ना थी. तो बात कहने की है, मैं ये भी एक मजाक में बात कर रही हूँ. इसी तरह आपके ऑफिस में आपने किसी ने हायर कर लिया, कि जबरदस्त है, इसका इंटरव्यू लिया था, बाद में वो बंदा ऐसा निकला कि आपने कहा यार ये पहले दिन क्या था और अब देखो क्या है. तो ये वाली बात हो गई कि आपने, वो जैसे कहते हैं ना, वो बात तो सभी हट जाएगी, लेकिन सिर्फ फन के लिए कह रही हूँ, कि जैसे वो एक पोएट्री का मुझे एक याद आ गई, वो क्या उसमें है, पोएट कहता है कि मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं. यानी एक वो बंदा जो इनिशियली कुछ भी नहीं था, कैन बिकम समथिंग एंटायरली डिफरेंट, एक ऐसी चीज बन जाता है कि आप हैरान रह जाते. तो क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके हो गए, हर बंदा अपने रंग का आइडिया लेकर आ रहा है, टेबल पे बैठो, लेकिन तुमने एक तस्वीर तो एक ही बनानी है ना. जैसे कहते हैं ना, जिग्सॉ पजल, आप लोगों ने बचपन में खेली होगी. हर बंदा जो है, हर एक छोटा सा पार्ट आप डालते जाते हो, और उससे क्या होता है, एक पिक्चर बनती जाती है, ठीक है ना. तो आप एक पिक्चर बना लेते हो, आप कहते हैं सारी मुझे याद है, आई डू रिमेम्बर माई ओन किड्स, दे यूज टू हैव एक छोटे 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 बिट्स जोड़े और एक टार्जन की शक्ल बन गई, छोटे छोटे बिट्स जोड़े एक स्पाइडरमैन की शक्ल बन गई. तो ये सारे लोग जो हैं अपने आइडियाज लाकर उसको शेप देते हैं, और वो चीजें जो कि एक्सेप्टेबल होती हैं वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो. दिस इज व्हाई यू होल्ड अ मीटिंग, ठीक है, यू होल्ड अ मीटिंग, एंड दैट्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपको मीटिंग की जरूरत होती है. तो यहाँ पर एक आपको बोर्डरूम का सीन मैंने दिखाया. अब आगे जरा देखते हैं कि मैंने कुछ चीजें आपके लिए सिलेक्ट की हैं, बाकी मैं आपको नोट से बताऊंगी. अब कोई कहता है मीटिंग क्या है, अगर आपने विकिपीडिया से मैंने ये उठाई, कहता है मीटिंग इज द सिनेरियो, सिनेरियो का वर्ड मैंने खुद डाला है, मीटिंग इज द सिनेरियो, वो ऐसा सिचुएशन है व्हेन टू और मोर पीपल कम टुगेदर टू डिस्कस वन और मोर टॉपिक्स. हर जगह अपना अपना मसला है, हमारे डिपार्टमेंट में ये इशू है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में ये इशू है, अरे भाई इसको सॉल्व कौन करेगा. व्हेन यू कम ओवर देयर इन द प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटीज, यू आर गोइंग टू गिव योर आइडियाज, प्रेजेंट योर प्रॉब्लम, टेल योर ग्रीवेंसेस, अपनी शिकायत मसाइल लेकर आते हो, तो फिर वो टेबल पे रखते हो और फिर लोग जो है इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर उसका कोई वे आउट निकालेंगे, क्योंकि आप सारे एक
एक कंपनी, एक पूरी टीम है समझ लो, आप उस टीम का हिस्सा है। आप अगर जाकर बैठे हो मीटिंग के अंदर तो आपकी कोई हैसियत होगी ना, ठीक है, कि आपके कोई वर्थ है, मे बी यू आर अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, ये भी हो सकता है। और समटाइम्स देर आर सर्टन पीपल द बॉस इज रिक्वायरिंग देम टू सिट इन द मीटिंग दो दे आर नॉट एनी सॉर्ट ऑफ हेड्स, नहीं होते, लेकिन उनकी जो रैशनल थिंकिंग, उनकी लॉजिकल जो उनकी अप्रोच होती है, दे आर इनोवेटिव। इनोवेटिव वो लोग होते हैं जो नए नए आइडियाज आपके लिए लेकर आते हैं। तो ऐसा सिनेरियो जब दो या दो से ज्यादा लोग एक या एक से ज्यादा टॉपिक्स हैं वो आकर हल करने के लिए इकट्ठे बैठते हैं, ऑफन इन अ फॉर्मल और बिजनेस सेटिंग। अगर हम बिजनेस की बात करें हो तो ये फॉर्मल सेटिंग है जी। आप फॉर्मल सेटिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम कहका लगा के हाथ पे हाथ मार के बैठते हो तो तुम कहो कि जी इस तरह भी हम कर सकते हैं, या कोई जिस वक्त मुंह उठाया एंटर हो रहा है बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, इसको मीटिंग नहीं कहते, ठीक है। ये तो एक किस्म का अब्यूज हो गया कि आपने मीटिंग के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और मैं जो चीजें आपको जैसे कुछ बताऊंगी मीटिंग के साथ साथ, एक और हम टर्म पढ़ेंगे मैं आपको, जो फिलर टॉपिक्स हैं। फिलर टॉपिक्स का मतलब है मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, इसके अंदर फिलर्स डालेंगे, ठीक है, ताकि पिक्चर पूरी हो जाए। उसमें एक कमेटी फॉर्मेशन होती है, कमेटियां बनती हैं, मैं उस वक्त भी आपको बताऊंगी कमेटियां बन गई जी हमारे पाकिस्तान में, कितनी कमेटियां, रोहित हिलाल कमेटी बन गई, अच्छा जी ठीक है। और जो हमारे मुफ्ती मुनीब हैं उनकी फवाद, क्या नाम है पूरा लड़के का, बंदे का, फवाद जो है उसके साथ उसकी जो है लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे ना, क्योंकि सम पीपल थिंक दैट यू आर स्पेंडिंग अ लॉट जस्ट फॉर नथिंग। आपने एक कमेटी किसी भी जगह की, मैं रोहित हिलाल का खुदा ना खासा मैं ये नहीं कह रही मैं उसके खिलाफ हूँ या उसके फेवर में हूँ, मैंने एक मिसाल दी है जो आप सबको पता है, इसलिए मिसाल दे दी कि एक कमेटी बनती है। और वैसे भी हमारी जितनी भी गारमेंट्स बनी है, कुछ बड़ी ही नोटोरियस गारमेंट्स हैं जिसमें बहुत कमेटियां बनाते थे, हर चीज की कमेटी बनाते थे, ठीक है। तो वो कमेटी जो है वो भी आप बनाते हैं तो वो भी इज गोइंग टू बी पुटिंग एफर्ट्स टू कम टू अ सॉल्यूशन, ठीक है, रिजॉल्व करना है। इसी तरह आप मीटिंग रखते हैं ताकि एक बिजनेस सेटिंग में आप कोई सॉल्यूशन ला सके। तो आप उसमें केपेबल लोग होते हैं जो कि डिसीजन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद यहाँ आखिरी लाइन में लिखा, बट मीटिंग आल्सो अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर एनवायरनमेंट्स, मसलन ओवर अ कप ऑफ टी, ठीक है। कभी कभार आप गए हैं बॉस के कमरे में या आप बॉस हैं, हमेशा हम ये नहीं सोचेंगे कि हम बॉस के कमरे में, हम भी तो बॉस हो सकते हैं ना, हम बॉस हैं, ठीक है, आज हम बॉस हैं, हम बॉस हैं, और एक जूनियर आता है और आपसे बात करते करते इतना आपका सीरियस डिस्कशन होता है, आप कहते हैं कि जी मिस्टर अब्दुल्ला आज हम ये कर लेते हैं, इसकी इसको हम सेट कर लेते हैं। आपने फौरन सेक्रेटरी से कहा कि भाई कोई कॉल मत देना, मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा, मिस्टर अब्दुल्ला वुड बी थिंकिंग, अच्छा मुझे भी नहीं पता था मैं मीटिंग में हूँ, ठीक है फाइन ओके आई एम इन मीटिंग। तो वो भी बड़ा सीधा होकर बैठ जाएगा और वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स को बताएगा और वो करते करते उस चीज को हल करने के, दैट्स ऑल्सो अ मीटिंग। या कभी कभार आपने लोगों को, जैसे आप देखते हो अक्सर बैंकर जो होते हैं अपने क्लाइंट्स को ऑब्लाइज करने के लिए उनको डिनर पे ले जाते हैं, चाय पे बुलाते हैं, ठीक है, वो मीटिंग में होते हैं, वो असल में उनके साथ चाह रहे होते हैं कि उनकी जितनी जो उनका है यानी जितना भी उनके पास है सरमाया है, कैपिटल है, जो भी पैसा है, दे आर गोइंग टू बी डूइंग द बिजनेस थ्रू योर जो आपका बैंक है, क्योंकि आपका बैंक तो हर लम्हा कमा रहा है ना, तो वो उसको उसमें जो है वो आपको पैसे जो है रख दिए जाए। तो एक बड़ा क्लाइंट आ गया जी, फला एक कंपनी है जी, उसका नाम लिया जी, मेरा वो क्लाइंट है, बैंक बताता है, ठीक है, मेरे ये क्लाइंट है, तो इतना बड़ा आपके पास आ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ मीटिंग। और दूसरी, आपने लोगों को बाकायदा एक फॉर्मल तरीके से बुलाना है, दैट इज ऑल्सो मीटिंग। ज्यादातर अभी जो हम पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे, एक तो हमने ये बात याद रखनी है कि देर आर टू एक्सट्रीम्स, वन मीटिंग इज गोइंग टू बी वेरी इनफॉर्मल इन अ वेरी इनफॉर्मल सेटिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एंड देर आर सर्टेन मीटिंग्स व्हिच हैव वेरी फॉर्मल सेटिंग, उसके लिए लोगों को बुलाया जाता है, उनको पहले से इनवाइट किया जाता है, इनवाइट भेजा जाता है, दे कम ओवर देयर, दे सिट एंड दे टॉक,
तो उसमें ये नहीं होता कि हर एरे गरे को बुला लिया, या तुम जा रहे हो, मिस्टर अब्दुल्ला जा रहा है, तो उसने कहा जीशान यार तुम भी चलो, नहीं भाई नहीं, यू कांट गो, ऐसे कोई किसी के वलीमे पे नहीं आप जा रहे, यू आर गोइंग इन अ वेरी फॉर्मल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग है, स्टेक होल्डर मीटिंग है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग है, तो वो लोग आएंगे जिनको आपने, यानी जिनके पास इनवाइट है, अभी उस पर बात करेंगे, और दूसरा है बहुत ही इनफॉर्मल सेटिंग। अब आप देखिए कुछ पिक्चर्स मैंने आपकी आसानी के लिए, सिर्फ समझने के लिए, लाइक यू सी हाउ पीपल दे आर सिटिंग, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी लाइक अरेंज्ड इन अ वे कि पहले से ही आपने प्लानिंग की हुई थी और आप बैठ के करें, लेकिन आपको ज्यादातर ये लग रहा है, ओके फाइन, आप कह सकते हैं कि जी आइए मेरे कमरे में मीटिंग रखते हैं, आ जाओ बोर्ड रूम में आ जाओ मीटिंग रखते हैं, तो जब भी आपको जरूरत होती है यू आर गोइंग टू बी सिटिंग ओवर देयर। अब हर बंदा अपने पॉइंट्स दे रहा है, एक बंदा जो है सुन रहा है, शायद वो चीज उसको अच्छी नहीं लग रही है, खातून सामने उसको हो सकता है शी इज वेटिंग फॉर द मोमेंट, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो इंतजार कर रही है कि ये दोनों चुप हुए तो मैं अपना पॉइंट बयान करूं, क्योंकि हो सकता है वो किसी चीज की एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसके पास कोई और आइडिया है, और जो रिलेटिवली आपको जो लेफ्ट साइड पे खातून नजर आ रही है वो लग रहा है रिलेटिवली इतनी ज्यादा या तो नहीं अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, एंड शी इज नॉट शोइंग एनी इमोशंस, एंड शी इज इनडिफरेंटली लिसनिंग टू देम, इनडिफरेंट मीन लातालुक होकर इस चीज से कि मुझे चीज पसंद आई है कि नहीं, न्यूट्रल चले कह लेते हैं, न्यूट्रल होकर सुन रही है पूरी बात को, और वो बाद में हो सकता है कॉन्ट्रीब्यूट करे, व्हाटएवर, आप लोगों के चेहरे से बहुत कुछ पहचान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक सीनियर बहुत पर्सन है जो कि लैपटॉप पे है, और दूसरा पर्सन इज होल्डिंग अ पेन, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि देर इज अ पॉइंट उससे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, या देर इज अ पॉइंट दैट्स रिक्वायरिंग सम मोर क्लैरिटी ओवर देयर, ठीक है। अब आप ये भी एक चीज नोट करें, आप सारे ये चीज साथ साथ नोट किया करें, जैसे मैं अभी आपको स्लाइड्स भी दिखाया करती हूँ, बहुत कुछ आपको प्रेजेंटेशन में भी मैंने बताया। देखिए अब मैं, आप लोग जब किसी बिजनेस सिनेरियो में होते हैं तो अपने ड्रेस का आपने बहुत ख्याल रखना, ठीक है, आपका ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं आप कितना फॉर्मल ड्रेसिंग हुई हुई है, आपको नजर आ रहा है, हत्ता कि उसकी घड़ी जो पहनी है, उसका कफ जो है बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है आपको, यानी आपके जो बाजू है छोटे होने चाहिए, कफ थोड़े एक्सपोज होने चाहिए, आपके जो है बटन पूरे डू करें आप बंद करें, और खवातीन जो है उनका इस तरह से नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ड्रेस अप होती हैं, तो खैर वो खवातीन का जो है एक अलग से है, बट व्हाटएवर यू वेयर शुड बी वेरी गुड, लाइक ज्यादा जो होते हैं प्रिंटेड कपड़े, बहुत ही जिसे कहते हैं ना बहुत ही बिजी प्रिंट्स जिसे कहते हैं, वो मत पहने, ज्यादा लाउड कलर्स ना पहने, मिक्स करके चीजें जो है आपकी नजर आ रही हैं रंग बिरंगी, वो नहीं अच्छी लगती, आप बिजनेस लाइक अपेयरेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये बहुत ही जरूरत है, जब मैं ट्रेनिंग्स कराती हूँ तो बाकायदा इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू कैसे लेना है, कैसे बैठना है, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा गाइड करती हूँ, तो पीपल डू अंडरस्टैंड कि उन्हें चाहे मेल है या फीमेल है, मेल का जरा आसान है काम, वो अगर किसी एक ये भी तरीका होता है, मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप किसी कोई बहुत ही हाई क्लास ब्रांड है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बंदा हाई क्लास ब्रांड, वैसे भी जो स्टूडेंट हैं या अभी जॉब में जा रहे हैं, अनलेस अंटिल किसी लैंडलॉर्ड वगैरह या किसी बहुत ही वेल ऑफ फैमिली के, यू कैन अफोर्ड सम ब्रांड, जब आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, जस्ट आपने आपने ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देखने के लिए आपने देखना है कि आजकल क्या ट्रेंड है, दो बटन का कोट है कि तीन बटन का कोट है, ये आपने देखना है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोट को हम कोट कहते हैं, बाहर के मुल्कों में लोग जैकेट कहते हैं, उसको कोट नहीं कहते, तो फॉर्मल जैकेट्स हैं, तो ये देखना है टाई कलर कैसे होना चाहिए, बेल्ट का कलर, शू का कलर, सॉक्स का कलर इवन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपने जरूर देखनी होती है, तो आप केयर किया करें, और आपके कपड़ों से ही आपकी पहचान होती है, और जूतों से इंसानों की पर्सनालिटी का पता चलता है, ये बता दूं आपको मैं। बहरहाल ये सारा जो है आपका, और खवातीन को भी मैं कहती हूँ कि ज्यादा कोशिश किया करें खुले जूते मत पहने, बंद जूते पहना करें, बंद जूते ज्यादा फॉर्मल होते हैं, ठीक है, और जो खुले जूते होते हैं वैसे भी आपके पाँव जो डस्टी हो जाते हैं, तो यू शुड गो फॉर तमाम मेल एंड फीमेल दे शुड वेयर जो आगे से क्लोज टो होते हैं वो जूते पहनने चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये आपको सिनेरियो दिखाया कि इट्स नॉट वेरी फॉर्मल सिनेरियो, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पहले कॉल की गई थी, इन्वाइट किया गया था, लोग आके बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, एक मिडल वे है,
ठीक है, बहुत इनफॉर्मल नहीं है लेकिन मिडल में है। ये देखिए कितनी फॉर्मल मीटिंग है। इवन यहाँ पर कुछ लोग शायद बैठे हुए हैं जो कि किसी और स्टेशन से भी होंगे और वो आपको सामने नजर आ रही है, शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से है। तो ये एक बड़ा ही सेटअप है मीटिंग का। इसके बाद है, ये बहुत ही फॉर्मल वे से है, बैठे बेशक नहीं इतना लग रहा आपको, बट इट मस्ट बी वेरी फॉर्मल मीटिंग। इस तरह ये मीटिंग आप देख लें, ये भी कोई एक मिडल वे लग रहा है। आपके बॉस जो है वो बड़ी एंथुजियास्टिक किस्म के बॉस है, पुरजोश है, खड़े होकर आपको समझा रहे हैं एंड पीपल आर लिस्निंग टू देम। देखो एक बात याद रखा करो, मैं साथ साथ बताती हूँ, बॉडी लैंग्वेज इतना मैटर करती है। आप अगर बॉस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज यूं बिल्कुल लटकी हुई है, सारे ऑडियंस जो आपको सुन रहे हैं वो इंटरेस्ट लूज कर देगी। और अगर आप एक्टिव खड़े हैं और एक्टिवली बात कर रहे हैं, बैठे हुए एक्टिव है, पूरे अपने शोल्डर्स पीछे करके, और वैसे भी जब बैठते हैं तो हमारी जो बैक स्पाइन होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको स्ट्रेट होना चाहिए। दैट इज शोइंग यू आर स्टैंड सिटिंग इन अ वेरी फॉर्मल पॉस्चर, आपका पॉस्चर बड़ा फॉर्मल है। और अगर आपने कंधे लटकाए हुए हैं, टांगे ऐसे करके ढीली छोड़ी हुई है, तो बेहतर है आप घर बैठ जाए और सो जाए जाके, ठीक है, आप ऑफिस में क्यों बैठे हैं। तो ये नहीं मैं कहती कि हर वक्त हम अलर्ट रहते हैं, इतना पूरा दिन आपने 9 to 5 जॉब करनी है, आप रिलैक्स भी करते हैं, बट वेन यू आर सिटिंग टॉकिंग टू पीपल यू आर गोइंग टू लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन टू देम कि मैं अगर इतना बुरा हो गया हूँ या हो गई हूँ और इतना एक्टिवली बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यंग लोग जो है बल्कि आपसे सीखते हैं, आपसे जो जूनियर है वो आपसे सीखते हैं। तो आप ये देखिए इस तरह से, और ना ही आपका कोई फोन बजना चाहिए, फोन आपके बंद होने चाहिए। आप जिस जगह बैठे हैं, अब आपको ये लग रहा है फोन नहीं है, उनके हाथ में टैब्स है और वो कोई ऑब्वियसली ऑफिस का काम कर रहे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं होती। जैसे एक दफा मैं एक ट्रेनिंग करा रही थी, तो उसमें एक साहब मुझे कहने लगे, बताने लगे कि एक दफा एक मीटिंग में हम थे, तुम्हारे बॉस जो है ना काफी बाद में पता चला कि बहुत स्ट्रिक्ट है, कहता है मेरे एक दो दिन थे तो मुझे मीटिंग में जाना हुआ, तो मैं भी वहां बैठा था, तो उन्होंने बड़े अनाउंसमेंट की, बड़ी बड़े शौक से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा मोबाइल है। अभी ये जरा थोड़ी पुरानी बात है, क्योंकि डुअल सिम वाला भी अभी कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी नए नए जो है ना मोबाइल लोग काफी आगे थे टच वाले, लेकिन यानी सारे मोबाइल थे ये स्मार्ट वाले, लेकिन अभी इतना रिफाइंड नहीं सिस्टम था। तो उन्होंने कहा कि जी बताइए किस किस के पास जो है वो एक से ज्यादा फोन है। तो लोगों ने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा टेबल पे निकालिए और बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, टेबल पे रखिए मेरे सामने, स्विच ऑफ कर दीजिए। असल में वो ये कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसके मतलब था कि वो इतने एनॉयड होते थे कि ड्यूरिंग द मीटिंग आपके जो है फोन बजना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये बात जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, आपको जो है दिस इज गोइंग टू शो प्रोफेशनलिज्म कि आपने बहुत ही प्रोफेशनली इस चीज को देखना है। तो अब ये बता रही हूँ कि साहब एज अ मीटिंग हो रही है, हर बंदा अपना पॉइंट लेकर आएगा, ये भी एक मीटिंग हो रही है, हर बंदा अपना पॉइंट लेकर आएगा, बिल्कुल सही सिनेरियो दिखा दिए। अब आ जाइए कि मीटिंग्स की कुछ चीजें, मिसाल के तौर पर ये आप मीटिंग के बारे में आज क्या सीखने जा रहे हैं। मीटिंग्स की बहुत टाइप्स होती है, बहुत टाइप्स होती है। हम सिर्फ वो मीटिंग्स करेंगे जो आपके सिलेबस में आएगी। अभी मैं सिर्फ ये जो स्लाइड्स होती है ना, मैंने आपको बार बार ये बात कही है, स्लाइड्स इज अ सपोर्ट, स्लाइड्स आर द सप्लीमेंट्स आपके लिए। जैसे होता है ना एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी ड्रिंक ले लो, या आपकी खाना जो खाते हैं उसमें आपकी विटामिन पूरे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, सॉरी सप्लीमेंट ले लेते हैं, सप्लीमेंट मीन विटामिन टेबलेट्स ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी विजुअल अपील के लिए आपकी स्लाइड्स होती है। अब कुछ नाम लिखेंगे, स्टेटस अपडेट मीटिंग, ओके ये वाला वो स्टेटस, आप कहेंगे ये तो फेसबुक वाली बात कर रही है, ऐसी बात नहीं, ये आपने अपडेट करना है, ये बस नाम है, अभी अभी डिटेल में मत जाए। डिसीजन मेकिंग मीटिंग, एक मीटिंग होगी उसमें डिसीजन होगा, सारे मिलकर अपनी अपने अपने पॉइंट्स को पूल करेंगे और वो फिर हम एक डिसीजन करेंगे, ये बात भी समझ में आती है, ओके ठीक सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, एक प्रॉब्लम चल रही है आओ इसको डिस्कस करते हैं, एक मीटिंग। एक है टीम बिल्डिंग मीटिंग, आपने टीम को यानी एक डेवलप करना है, उसकी मीटिंग हो रही है कि आपने अब किस पे काम करना है। आइडिया शेयरिंग मीटिंग, आपने सबने अपने आइडियाज देने हैं,
उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जी हम इन इनमें से किसके आइडियाज अच्छे हैं. इनोवेटिव मीटिंग इस काइंड ऑफ एक मैंने नीचे लफ्ज को रेड कर दिया ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको इसका नाम याद होना चाहिए. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है लोगों का इकट्ठे बैठकर नए नए आइडिया सोचना, किसी मसले का आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके सोल्यूशन निकालना. अब ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होती है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज नॉट द थिंकिंग इन एन ऑर्डिनरी वे. आपने मसला हल करना, उसने हल करना, कोई पुराने रवायती तरीकों से हल कर रहे हो, भाई कोई नया तरीका ईजाद करो, कोई नई चीज ढूंढ लो, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक क्या है आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की आपने और एक नया हल निकाल लिया. अभी आप देखिए जितने भी इनोवेशंस हुई हैं दुनिया में, जितनी नई नई चीजें ईजाद हुई हैं, वो सारी की सारी किस तरह हुई हैं आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से. आपने देखा एक मसला 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 चल रहा है, आपने उसका हल निकाला. अब आप देखिए जिंदगी में किसी ने दुनिया में पहला व्हील ईजाद किया होगा. मैं समझती हूँ कि व्हील एक इतनी बड़ी ईजाद है मेरी नजर में, जिसने जिंदगी को मोबिलिटी दी, उसने जिंदगी को जैम होने से बचाया. आप मूव करना शुरू हुए, आपकी स्पीड तेज हो गई. जब आपकी स्पीड तेज हुई तो फिर इंसान नहीं रुका. आपने देखा इंसान नहीं रुका. जब आपका आपको कोई चीजें जब सारी मिल जाती है, मिसाल के ऊपर आप जल्दी से सारे काम कर लेते हो, ये तुम्हारे पास मशीन है, इससे ये कर लो, दूसरी मशीन से ये कर लो, तीसरी से ये कर लो, तब आपके पास स्पेयर टाइम बचेगा ना. आप और सोचेंगे, ठीक है वो जमाना गुजर गया जब रात हुई तो सितारे चमके और आसमान के ऊपर देखा तो सितारे, कहते ना सितारे गिनते हुए रात गुजर गई. अब कौन सितारे गिनता है भाई, अब तो सितारे नजर ही नहीं आते. क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि आपकी रोशनियां जमीन पर इतनी ज्यादा है, आपको पूरी स्टार लिट नाइट नजर ही नहीं आती. अब तो रोशनियां इतनी आपकी आंखों को ब्लर कर देती है कि आपको अनलेस अंटिल पूरी इलाके की बत्ती चली जाए, फिर तो जो भी हमारे कंपनियां हैं जो हमें पावर देती हैं उनका शुक्रिया कि हमें रात दिखा दी तुमने सितारों की भरी, चांद भी पूरा नजर आ रहा है. तो क्या है, वो जमाना गुजर गया, व्हील बना. अब व्हील कैसे बना होगा? शायद किसी ने पहले लीवर का सोचा होगा, चीज हिल नहीं रही होगी, उसने एक पत्थर राउंड सा रखा नीचे और उसे उसने हिलाई तो चीज हिल गई. तो राउंड अगर चीज हुई तो दैट बिकेम अ व्हील. तो अब मैं आपको बता रही हूं कि इनोवेशन जो है वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की वजह से होती है. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज यूनिक थिंकिंग, इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन. और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो जब एक से ज्यादा लोग मिलकर अपने आइडियाज का एक यानी अपने आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं, एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू विच वॉज नॉट देयर, विच वॉज नॉट एग्जिस्टिंग, एंड यू आर गोइंग फॉर समथिंग इनोवेटिव. आपने कहा इसका बड़ा इनोवेटिव थिंकिंग है, ठीक है, उसको नॉवल्टी भी कहते हैं, नोवल थिंकिंग. नोवल नॉवल होता है ना जो पढ़ते हो आप लोग, या पढ़ते नहीं भी पढ़ते तो पता तो है ना. तो नॉवल मीन न्यू, जिद्दत वाला, तो नॉवल थिंकिंग आती है. मीटिंग्स का ये काम है कि लोगों को लेके आओ और फिर वो थिंकिंग करेंगे इसके ऊपर. और एक कॉन्सेप्ट है सिनर्जी का, वो भी यही चीज है, वो मैं आपको बाद में इसके ऊपर बात करूंगी. अब हमें देखना ये है कि मीटिंग जब आएगा आपको पेपर में सवाल, तो हमें क्या क्या पूछा जाएगा. मीटिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मिसाल के तौर पर नोटिस. ये नोटिस क्या है? क्या ये किसी कोर्ट का नोटिस है, अदालत ने नोटिस भेजा है? नो, नोटिस इज जस्ट एन इनवाइट, एन इनविटेशन. ठीक है, इनवाइट कहते हैं ना दावतनामे को, कि आपने किसी को शादी पे बुलाना है, बर्थडे पे बुलाना है, किसी और सेरेमनी पे बुलाना है, तो आपने, या कोई ऑफिस का कोई एनुअल डिनर हो रहा है तो आप इनवाइट्स भेजते हो लोगों को, जिसे इनविटेशन भी कहते हो. तो आपका नोटिस इज एन इनवाइट, सिर्फ उन लोगों को जाता है जिन्होंने मीटिंग में आना है. ये नोटिस ऑफ मीटिंग की बात हो रही है, ये वो नोटिस की बात नहीं हो रही कि आपके ऑफिस में तो लगा होता है जी, आपके जहाँ पे पानी पीने के लिए आपका डिस्पेंसर लगा है उसके पास ये एक आपका जो है नोटिस लग गया, या बड़े एंट्रेंस में नोटिस लगा हुआ, ये वो नोटिस नहीं है.
this is noticed as a return call, is you are inviting people. उसके बाद एक टर्म हम सीखेंगे एजेंडा. आप लोगों ने अक्सर एजेंडा के बारे में सुना होगा. दो लोग खड़े हैं, किसी बात पे बहस कर रहे हैं, तो यार क्या एजेंडा क्या है, यानी क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है? या तुमने कहा कि यार आना शाम को मेरी तरफ, दूसरे को भी कह दिया. आप पूछेंगे आज एजेंडा क्या है, यानी आज किस पॉइंट पर डिस्कशन हमने करना, हम क्यों आए. तो एजेंडा का सिंगुलर फॉर्म जो होती ना, उसे कहते हैं एजेंडम, यानी एक पॉइंट. अगर मैंने एक लिस्ट लिखी कि मीटिंग में आज क्या क्या डिस्कस होगा, उसके एजेंडम होंगे. एक एजेंडम कह रहा है जी हम सेल्स की डिक्लाइन पर बात करेंगे कि आखिरकार हमारी सेल डिक्लाइन क्यों हुई. अब एक सेल डिक्लाइन होती है ओवरऑल, जो लोग कर रहे हैं ऑफिस में काम उनको ये बात पता है, ओवरऑल सेल डिक्लाइन है, पूरी हमारी सेल कोई डिक्लाइन होगी, नंबर वन. नंबर टू होता है कि किसी खास प्रोडक्ट की जो सेल है डिक्लाइन की है और बाकी जो है वो सब बिक गए हैं, ये भी हो सकता है. फिर टेरिटरी वाइज होता है कि किस इलाके में आपका सेल कम हुआ है और वो वजूहात क्या है, आप उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, लोग रिपोर्ट्स भी उस पर बनाते हैं, ठीक है, सेल डिक्लाइन पर. और चौथी ये भी बात हो सकती है कि जो मीटिंग जो टीम्स होती हैं, जो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्रमोशन मार्केटिंग, वो टीम ए बहुत अच्छा काम कर गई, टीम बी कर गई, डी भी कर गई, ई भी कर गई, टीम सी जो है वो डाउन चली गई, तो इस तरह से हम उसको चेक करते हैं. मुख्तलिफ तरीके हैं. मैं आपको सिर्फ एक बिजनेस से, स्पेशली वो लोग जो अभी सिर्फ स्टूडेंट हैं और वो मुझे सुन रहे हैं, उनको इतना ज्यादा चीजों का नहीं पता होता. एक और मैं आपको इसी बात से बात निकली, क्योंकि मैं इस तरह आपको कोई एक क्लास तो नहीं रखूंगी ना कि आओ बच्चों नसीहत की क्लास है या बड़े लोगों नसीहत की क्लास है, ये ऐसा नहीं है. बीच में कोई चीज आएगी तो मैं आपको बता दूंगी. अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बिजनेस नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपने आपके इर्द गिर्द जो लोग ऑफिस में जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, अपना बिजनेस है, उनसे बात किया करो. अपने सिर्फ व्हाट्सएप पे ना बैठे रहा करो कि बस मेरी जिंदगी बस यही है, मेरा फेसबुक मेरा इंस्टाग्राम मेरी जिंदगी है. इसको छोड़कर अगर कोई बंदे से कोई पर्सन आया हुआ है, आपके वालिद का कोई दोस्त आया हुआ है या आपकी मदर की कोई वर्किंग कोई लेडी है, आप उनकी बातें सुने, पूछे सवाल, उनको एनॉय ना करें, तंग ना करें उन लोगों को, लेकिन जहां आप पूछ सकते हैं आप नॉलेज लें. आपके कोई रिलेटिव दूसरे शहर में है, मुल्क से बाहर है, जरा इन टच रहिए उनके साथ भी, आप पता कीजिए क्या होता है. आप यकीन करिए अगर आपके भी आप में से जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं और आपकी फ्रीक्वेंटली उनसे बात होती है, तो आपको फील ऐसे कभी कभार होता है कि हम शायद बाहर हम भी रहते हैं, हालांकि आप नहीं कभी गए, लेकिन जरूर जाना चाहिए. अगर आपको मौका मिले तो एक आध दफा आपको मुल्क से बाहर कोई भी जगह आप ट्रेवल करें, तो आप बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक नई दुनिया आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो आपको ये बता रही थी एजेंडा बनेगा. एजेंडा में सारे पॉइंट्स जो कि मीटिंग के वक्त डिस्कस किए जाएंगे वो लिखे जाएंगे. बात समझ में आ गई आपको, डॉक्यूमेंट नंबर टू हो गया. अब तीसरा डॉक्यूमेंट लिखा है मिनट्स. इस पे बात करना बड़ा अर्ली है. वो कैसे? आपको स्पेलिंग नजर आ रही है मिनट्स, आप कहेंगे ये तो मिनट्स और आवर्स हैं, घंटों की बातें हैं, ये मिनट्स हैं, नहीं, ये मिनट्स हैं इज द हिस्ट्री ऑफ द मीटिंग, द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, जिसमें आपने उस पूरे टाइम के दौरान क्या किया, क्या डिस्कशन हुए, उसके ऊपर आप एक ओवरव्यू बनाकर उसकी पूरी हिस्ट्री लिख डालते हो. और ज्यादातर सेक्रेटरी होता है वो इसके काम करता है, और कभी कभार मिनट टेकर उसे कहते हैं, वो आमतौर पर सेक्रेटरी ही मिनट टेकर भी होता है. वो दौरान मीटिंग के, व्हेन प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन एंड ऑन, पीपल आर टॉकिंग, दे आर गोइंग टू नोट डाउन थिंग्स, चाहे वो शॉर्ट हैंड. आपको याद, आपको पता है कि पहले जमाने में, अभी नहीं, बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल यूज में है, शॉर्ट हैंड एक होती है लिखने का तरीका. सेक्रेटरीज हमेशा लर्न करते थे कि आपने अपनी ब्रीफिंग लेनी है अपने बॉस से, तो शॉर्ट हैंड में फटाफट लिखो, ठीक है?
अब बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड कर लो, अपना फोन ही ले जाओ, रिकॉर्ड कर लो, सर से पूछे सर मैं आपके पॉइंट्स रिकॉर्ड कर लूँ, जी जरूर आप कर ले, वो पूरा लेक्चर दे रहे हैं आप सुन रहे हैं, परफेक्टली फाइन, बाद में निकालो और उसको कर लो, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो मिनट्स जो है इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग और पास्ट फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी ना, बस वो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ ली, बाकी जो मुझे बताना पड़ता है वो सिर्फ इसलिए कि आपका बेस सॉलिड होगा, आप चीजों को विजुअलाइज करेंगे तो आप उसको समझ भी पाएंगे। तो ये चीजें आ गई, ठीक हो गया, समझ आई। और मैं अभी भी बताऊंगी कि मिनट्स जो होते हैं उनकी कुछ टाइप्स भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और बाकायदा मैं आपको नोट्स पर गाइड करूंगी कि कौन कौन सी चीज जो है वो आपको नोट से पढ़नी है। इसके बाद आ गया पर्सनल। पर्सनल जो है, ये पर्सनल भी बाज लोग उसको बोलते हैं, मीन लोग, ठीक है, लोग कौन है। अब मीटिंग जब होती है तो उसमें आपको लोगों की प्रेजेंस चाहिए होती है, दे आर द वेरी मच लाइक नेसेसरी पार्ट ऑफ द मीटिंग, एंड विदाउट दोज पीपल यू कैन नॉट होल्ड अ मीटिंग ऑब्वियसली। उसके लिए आपके पास एक प्रेजिडेंट होता है या फिर चेयरपर्सन जो चेयर करता है मीटिंग को, अगर ये हम बहुत फॉर्मल मीटिंग्स की बात करें। इस पर एक और चीज आपको बता दें, अगर प्रेसिडेंट होता है तो आमतौर पर हम यूज करते हैं प्रेसिडेंट वाज प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, वो मीटिंग को क्या कर रहा था, उसको एज अ बॉस लेके चल रहा था, उसका लीडर था वो। अगर आप एक लफ्ज चेयरपर्सन बोलते हैं तो आपको पता है चेयरपर्सन का लफ्ज जो है वो क्या है, इसमें जेंडर बायसनेस नहीं आती। जेंडर बायसनेस का मतलब होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। अब पहले जमाने में हम चेयरमैन का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, अब चेयरमैन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। इसी तरह आप तीसरा वर्कफोर्स एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वर्कफोर्स मीन इम्प्लॉइज, इससे नहीं पता चलता मेल है कि फीमेल है। चेयरपर्सन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं पता चलता मेल है कि फीमेल है, दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म हम यूज करते हैं। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी तफरुक, या उर्दू में इसको इम्तियाज कहते हैं, ये किसी दोस्त का नाम नहीं है, इम्तियाज का मतलब है फर्क, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती व्हेन यू आर कॉलिंग पीपल इन दैट वे, कि कभी कभार आप किसी को एकदम जैसे इंसल्टिंग हो जाता है ना, कि अगर आप उसको बता देंगे जी ये खातून या मेल के लिए, और कभी कभार लोग समझते हैं मेल टर्म जो होती है एक जनरल टर्म होती है और हम यूज कर सकते हैं, ये भी लोगों का ख्याल है, वरना बार बार लिखना पड़ता है ही और शी, है ना। इसलिए एक और भी चीज है, जब हम बिजनेस चीजें लिखते हैं ना तो हम ही और शी की बजाय दे कह देते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हु आर सपोज टू टेक देयर नोट्स, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट हु हैज टू टेक हिज हर नोट्स, ये कहना पड़ेगा, ठीक है ना, दो दफा कहना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट तो सिंगुलर है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, आप लोगों को फ्रेंड क्यों करते हैं, तो आप प्लूरलाइज कर दो। जब हम प्लूरलाइज कर देते हैं चीजों, प्लूरलाइज मीन प्लूरल फॉर्म देना, तो आप इसमें मसला हल हो जाता है। तो यहाँ पर जेंडर निकल गया, एक न्यूट्रल टर्म पर्सन इस्तेमाल कर लिया, तो आपने इसको यूं करके आपने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके बाद है जी सेक्रेटरी होता है, ये आपने याद रखना है, सेक्रेटरी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, नोटिस भी वही भेजेगा, एजेंडा पूरी बना के रखेगा, और ज्यादातर मिनट टेकर भी वही है, अनलेस अंटिल इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लाइक फॉर्मल मीटिंग विद नॉट मेनी पीपल, सो दे आर गोइंग, यू आर गोइंग टू सेग्रीगेट द ड्यूटीज, और आपके पास बहुत सारे और भी लोग होते हैं। और ये भी बताती चलूं कि हर्टा मर्फी की बुक में उन्होंने बहुत ही ज्यादा इस पे लिखा हुआ है कि जी मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है कि आपका जो सारे लोग आके बैठते हैं मीटिंग में, उनमें से हर बंदा जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेता है अकॉर्डिंग टू स्किल्स। मिसाल के तौर पर एक बंदा होता है, उसे आप कहेंगे ऑर्गेनाइजर, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजर वो बंदा है जो टीम के मीटिंग के डिस्कशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलेगा, लोग जरा अपनी रस्ते से हटेंगे तो वो वापस लेकर आएगा और कहेगा एक्सक्यूज मी आई वॉन्ट टू इंटरप्ट विद अपोलॉजी कि आप हम मीटिंग 3 पे बात करे थे, अब हम मीटिंग 5 पे क्यों चले गए हैं, पॉइंट 3 पे बात करे थे एजेंडा
या एजेंडम नंबर 3 में बात करे थे, हम 5 की बात क्यों करें, वो तो बाद में आएगा। इसका मतलब है एक कम टू द पॉइंट एंड फॉलो द ऑर्डर, जिस ऑर्डर से बात हुई है। और आपको पता है एजेंडा का जो हर पॉइंट होता है ना, जो आपके पॉइंट डिस्कस करनी होती है, वो तरतीब से होता है, उसका एक ऑर्डर होता है, आपने ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप ऑर्डर लेके चलेंगे तो लोग जो हैं वो फायदे पे रहेंगे, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि आप पॉइंट ए पे थे और अभी आप डी पे पहुंचे हुए। ये किस किस्म की मीटिंग हो रही है? ये तो वो मीटिंग होगी, खुदा ना खास्ता, उसका शायद बाद में मैं जिक्र करूं, जो आपकी असेंबली मीटिंग होती है और उठ के आखिर में पकड़ के कुर्सियां पकड़ते हैं और दूसरे पे छलांगे मारे होते हैं और कुर्सियां फेंक रहे होते हैं ना। सॉरी टू से दैट, लेकिन ऐसी वैसी बात नहीं है। ये ना समझो कि हमारे मुल्क में ही होता है, हर जगह होता है। अभी देखो ट्रम्प की आज थी, मुझे नहीं पता क्या बना है, डिबेट थे उसके, थे ना, क्या क्या नहीं करते वो लोग। तो वो इस तरह अभी जो जो पावर ऑफ जो है, पावर शो कर रहे हैं आपके जो सारे पॉलिटिशियंस हैं, what are they doing, isn't it? जो बंदा सोचता है कि यार ये क्या है, but politics is a game like this, politics है ही ऐसी game, और इसमें जाहिर है कुछ ना कुछ उनका एक तो ये है कि ठीक है लोग कहते हैं जी इसमें लोग करप्शन की तरफ जाते हैं। अगर मैं कहूँ ये प्योरली करप्शन नहीं भी है, एक मिसाल देने, मतलब ये तो कोई जन्नत की बात कर रही हूँ कि अगर कोई करप्शन नहीं है किसी भी लेवल पे तो क्या है, पावर का शौक है, आई वॉन्ट टू बी इन पावर, लोग मेरे नीचे हो सबॉर्डिनेट, ठीक है, और मैं उनके ऊपर गवर्नमेंट करूँ, फिर ये हो गया ना लस्ट फॉर पावर। तो पॉलिटिक्स जो है वो लस्ट फॉर पावर है ज्यादातर, तो दिस इज वाई पीपल वॉन्ट टू बी लाइक इन समथिंग। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, मेरे सब बंदा सोचते हैं यार एक दफा आपको जिंदगी मिली है, अरे भाई जो भी हो तुम, जो भी हो तुम, ये जो नून लीग के हो तुम, क्या है पीपल्स पार्टी के हो, ये तुम वो जो फजलुर रहमान वाले हो, ये तुम जो भी आपकी है, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स पे खुदा ना खासा आप पे बात नहीं करी, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ, एक दफा जिंदगी मिली है यार, आराम से जिंदगी सुकून की गुजारो, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन फिर आप कहेंगे तो फिर बॉस कौन होगा, ठीक है, ये तो बात है कि बॉस भी तो होना चाहिए। तो बात यहाँ से कहाँ तक आ गई, तो हर बंदा जो है अपना रोल प्ले करता है अपनी स्किल्स के मुताबिक। कुछ लोगों के अंदर थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द लीडर स्टिल दे आर गोइंग टू बी मैनेजिंग मेनी थिंग्स, ऐसा करे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो क्लैरिफायर होते हैं, ये हटा मफी की बुक में लिखा हुआ है। अब क्लैरिफायर क्या करता है, क्लैरिफायर करता है कि मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक पॉइंट पे बात की लेकिन बेचारे के पास अल्फाज कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल लेते हैं ना, तो आपने क्या किया उनकी बात को क्लियर किया, क्योंकि आप समझ गए हैं जो जनरली पूरी बैठी हुई है, जो एक टीम या एक बड़ा ग्रुप बैठा है वो बात नहीं समझ सका, तो आपने क्या किया आपने उसको क्लियर कर दिया। फिर क्या होता है, एक पर्सन किसी लोगों का स्पोक्स पर्सन बन जाता है। अब देखिए मैं स्पोक्स मैन नहीं कह रही, स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या होता है भला, मेरा ख्याल है आप में से कुछ लोगों को पता होगा, स्पोक्स पर्सन वो होता है जो दूसरों के बिहाफ पर उनके पॉइंट्स को आगे करता है। आप में से जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं या आप पहले भी कॉलेजों वगैरह में पढ़े हो, कभी कोई मसला हो जाता है क्लास का या ऑफिस में डिपार्टमेंट का, एक बंदा बीच में से जाता है और वो स्पोक्स पर्सन बनता है और जाके बताता है कि असल मसला क्या है, ठीक है। बाजू का ये लोग बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, नंबर वन, नंबर टू बस उनका दिमाग जो है वो फिरा भी होता है बाय द वे, और कभी कभार उनको आगे निकल जाने का बड़ा शौक भी होता है, फ्रंट लाइन में जाते हैं और फिर मार भी खाते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो कुछ रोल्स हैं, स्पोक्स पर्सन एक बंदा बेचारा बात नहीं कर सकता, आप उनकी बात आगे कर दो, तो डिफरेंट रोल्स हैं। अब एक तीसरी टर्म आपको नजर आ रही, कोरम, जिसके ऊपर मैंने एक पिक्चर भी लगाई हुई, लोगों ने हाथ में एक एक लेटर जो है वो पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक एक डिजिट जो क्या होता है अल्फाबेट पकड़ा हुआ है। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग, यानी आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, कम से कम तादाद जो आपको चाहिए जिसे मीटिंग हो सके, उसे कोरम कहते हैं। ये कहते हैं कोरम डिसाइड हो गया है, हाँ जी हो गया, आपने जी मिनिस्ट्रीज ने मीटिंग की, सिंध मिनिस्ट्री ने मीटिंग की है कि जी लॉकडाउन कब तक रहेगा, उसके लिए उन्होंने कहा ठीक है, या स्कूल खोले जाएंगे, एक मिसाल दे रही हूँ, ऐसी मीटिंग बहुत सारी जगहों पर हुई है,
उन्होंने कहा जी आपका जो है मीटिंग में उन्होंने बुलाए जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेके चल रहे हैं, जो लोग एजुकेशन में हैं, जो लोग जो है मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, उनको बुला लिया, हेल्थ के लोग हैं, वो सारे मिलकर उन्होंने कोरम बनाया। अब ऐसे में डिफेंस के लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है, या जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है उसकी जरूरत नहीं है, या कोई और मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड इंडस्ट्री है वो जरूरत नहीं है, तो ना बुलाएं। रेलवे की जरूरत नहीं थी, ना तकलीफ दे जो अपने हैं साहब, क्या है उनका नाम, शेख रशीद साहब, रहने दे उनको। तो क्या है, यू मेक अ डिसीजन ऑन अ कोरम एंड यू डिसाइड दैट हु वुड बी सिटिंग इन द मीटिंग एंड दोज पीपल आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर आइडियाज एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज सो दैट दे आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन and on the basis of those decisions you have seen education walon ne jabki health walon ke sath milkar phir unhone kaha ke following sops aapne school khole colleges khole pehle badi classes jayengi phir karte karte choti classes tak aayenge to is tarah se ek system jo hai meetings hui aur ye nikla ye baat ko baat samajh mein aayi before I move on to the next zaruri cheeze hain notice kya hai invitation for the meeting एजेंडा क्या है पॉइंट्स टू बी डिस्कस ड्यूरिंग अ मीटिंग मिनट्स क्या है रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग आपके प्रेसिडेंट चेयरपर्सन इज द पर्सन हु इज गोइंग टू लाइक बी द लीडर ऑफ द मीटिंग सेक्रेटरी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द अफेयर्स मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग ऑफ द मीटिंग और कोरम आपका मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर सिटिंग एज द मेंबर्स ऑफ द मीटिंग इसके बाद आपको पर्सनल में एक और चीज बताइए मैंने कुछ लोगों का ख्याल है ये मैं अब आप सपोर्टिंग बता रही हूँ कि लीडर होता है एक रिपोर्टर होता है टाइम कीपर होता है और बाकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये चार बेसिक रोल्स हैं ये मैं आपको वैसे ही आपके उस पे बता रही हूँ यानी बेहतर समझने के लिए और फोर बेसिक रोल्स जो है एनी इफेक्टिव मीटिंग शुड हैव यू कैन असाइन ईच टू सेपरेट पार्टिसिपेंट्स और कंबाइन टू और मोर रोल्स इनटू वन बाजू का आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक से ज्यादा रोल भी दे सकते हैं कि तुम ये भी करना तुम ये भी करना Regardless, make sure each person performing their duties has adequate resources. उसके पास यानी adequate mean मुनासिब मौजू काफी उसके पास resources हो जिसपे वो यानी उसके पास available हो वो कर सकता हो इसपे बात काम कर सकता हो training उसकी हो and time to do an effective job. और ये नहीं कि आपने उठाकर ऐसा बंदा जो जिंदगी में पहली दफा meeting में बैठा है उसको duty दे देंगे वो कभी कुछ नहीं कर सकेगा बात याद रखिए experience के बगैर आप कभी भी लर्न नहीं करते इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लिया करो छोटे वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी कहा जाता है एक्सपीरियंस लिया करो गो टू सम प्लेसेस वेयर यू कैन गेट सम एक्सपीरियंस और ये भी कहा जाता है कि जो लोग वेल ट्रेवल्ड होते हैं ना या वेल रेड होते हैं यानी बहुत पढ़ते हैं उनका बहुत नॉलेज होता है बट जो रीडिंग करना है इज नॉट एक्सपीरियंस ट्रेवलिंग करना इज एक्सपीरियंस तो आप जाकर नई जगह पे जाएं लोगों को मिलें देखें किसी ऑफिस में गए हैं उसकी सारी वर्किंग चेक करें गौर करें पासपोर्ट बनाने आए थे किस किस डेस्क पे लोग क्या क्या कर रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं वो अलग बात है कि डिसअपॉइंटमेंट तो आपको बड़ी होगी कि आप वहां पे लोगों को ज्यादातर देखते हैं इस तरह से या उनका सिस्टम ही ऐसा होता है लोग कहते हैं हम क्या करें हमारा सिस्टम ही ऐसा है हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ठीक है तो ये है आपके पार्टिसिपेंट्स के बारे में कुछ बताया ये एक मैंने आपको मुझे पिक्चर मिली तो मैंने आपको दिखा दी कि लोग जो है डिफरेंट कर रहे हैं एक लीडर का रोल है कर रहा है एक अक्सर रिकॉर्डर होता है तो सारे जो जो लोग कर रहे होते हैं प्रोसीडिंग उसको रिकॉर्ड करता है एक उसके बाद टाइम कीपर होता है टाइम कीपर का मतलब ये नहीं है कि वो एक स्टॉप वॉच लगा के बैठा हुआ है नहीं एक तो वो जरूरी है कि वो टाइम लाइन जरूर कहेगा कि टाइम लाइन सेट करता है और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं बाजूकात ना एजेंडा जो बनते हैं ना पॉइंट्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ एजेंडा परेशान ना हो बना हुआ दिखाती हूँ एजेंडा के पॉइंट्स होते हैं कि ये डिस्कस होगा ये डिस्कस होगा ये डिस्कस होगा पॉइंट्स में लिखा होता है छोटी छोटी लाइनों में लिखा होता है उसके आगे कुछ लोग एक्सपर्ट इधर सेक्रेटरी और इन द रोल ऑफ टाइम कीपर व्हाट दे डू इज वो आगे टाइम भी लिख देते हैं कि आप इतने मिनट्स बात कर सकते हैं अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कॉन्फ्रेंसेज होती है ठीक है
आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसकी जो मैनेजमेंट होती है ना, ये मैं आपको हकीकत की बातें बता रही हूँ, मैनेजमेंट जो उसकी होती है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जितने वहां पे लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पीकर्स आएंगे, अपनी रिसर्च की बात करेंगे, उसके पास लिमिटेड टाइम होता है और उन्होंने उनको बताया होता है। जैसे हमारे एक जानने वाले हैं, वो डॉक्टर हैं और वो जाते हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं साथ, वो जाते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स के ऊपर। तो वंस ही वाज विद मी एंड ही वाज डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स विद मी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू लर्न कि मीटिंग जो है वहां पर, जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, चूंकि उसकी मैनेजमेंट होती है वो स्पॉन्सर्ड होती है। आपको पता है ना कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें बाहर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। आप मैच नहीं देखते, फुटबॉल के मैच से लेकर क्रिकेट के मैच तक, जो भी मैच होते हैं, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, इन तमाम मैचेस में लोगों वहाँ पे स्पॉन्सर होते हैं, किट्स पहनी होती है लोगों ने, टोपियां पहनी होती है, जूते पहने होते हैं, और साइड पे आपको सारे उनके जो पोस्टर्स लगे हुए दिखाते हैं। चूंकि वो स्पॉन्सर्ड होते हैं तो इसलिए वो एक मिनट का टाइम ऊपर नहीं कर सकते। तो उतनी अगर से मुझे 12 मिनट का टाइम मिला है, इट मीन्स 12 मिनट मैंने उसी में काम करना है। इसी तरह मीटिंग्स को अगर हम खुला छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है जैसे वो हटा मफी ने अपनी किताब में लिखा है कि दे कीप मिनट्स बट स्पेंड आवर्स, मजाक में लिखा हुआ है कि मिनट्स जो है वो रखते हैं लेकिन आवर्स स्पेंड कर देते हैं। यहाँ मिनट से मुराद मीटिंग के मिनट्स भी हो सकते हैं और आवर्स के मिनट्स भी हो सकते हैं। इसलिए मीटिंग्स के बारे में कहा जाता है, ये बहुत ही बदनाम है कि अक्सर ये बेकार में चली जाती हैं, कोई फायदा भी नहीं निकलता, टाइम भी जाया किया, पैसा भी जाया किया, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती। कॉस्ट इफेक्टिव वो चीज होती है जिसमें फायदे का पलड़ा भारी हो और नुकसान का पलड़ा कम, आपको फायदा ज्यादा मिला। लेकिन फिर वही, आई एम सॉरी टू से अगेन, आपने असेंबली में मीटिंग करवाकर आखिर में अगर आपने कुर्सियां ही तोड़नी थी तो क्या हो गया फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ, आप किसी कंक्लूजन पे नहीं, आप बात कर ही नहीं सकते, ठीक है? आप फौरन ही हमारे भी हाँ और हर जगह ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, है ना? और उसमें से कोई लोग स्केप गोट यानी कुर्बानी के बकरे भी बन जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है चलता रहता है। तो टाइम कीपर इज नॉट गोइंग टू बी ओनली टेकिंग केयर ऑफ टाइम, बट ही और शी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन अ मीटिंग रूम। जैसे विजुअल एड्स आपको चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स चाहिए, या आपको कोई एक कभी कभार एक होता है ना फ्लिप चार्ट आप लगाते हैं, भी मैं आपको फिलर्स में पढ़ाऊंगी, एक फ्लिप चार्ट है या कोई और चीज आपको चाहिए जिसके ऊपर लिखते हैं, वो एक व्हाइट बोर्ड चाहिए, सारा जिम्मेदारी है इनकी, ठीक है? और वो सारी की सारी, और कभी कभार एज अ पार्टिसिपेंट भी बीच में काम कर रहा होता है, बोल रहा होता है, और बाकी पार्टिसिपेंट जो होते हैं अपनी आइडिया कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और फिर उसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, अपने पॉइंट्स भी लिख रहे होते हैं। तो ये चीजें जो है नोट करते हैं, जब भी हम मीटिंग में जाते हैं हमारे हाथ में नोटपैड खुद भी होना चाहिए, अगर हमें ऑफिस में बुला लिया गया तो अपने अपने टेबल से उठिए, आपके हाथ में होना चाहिए। अदरवाइज इफ इट्स गोइंग टू बी अ फॉर्मल मीटिंग एंड दे आर गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ द फॉर्मेलिटी, व्हाट दे डू, दे ऑलरेडी प्लेस आपके नोटपैड्स एंड द पेन्स आपकी वहाँ टेबल के ऊपर, आपकी सीट्स के आगे पहली पड़ी होती है, तो वहाँ पे आपके बड़े मैनरिज्म का ख्याल करना होता है, बहुत ध्यान करना होता है, लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे होते हैं, आप जो है आपके हाथ, आप जो है मतलब किसी को किसी तरह एनॉय ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्नीजिंग या कोफ, आपको खांसी आ रही है, कुछ और मसला है, जस्ट लीव क्वाइटली विदाउट लाइक अनाउंसिंग, पीपल वुड अंडरस्टैंड कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज दे यूज टू प्लेस आपके लिए पानी शानी, इस तरह की चीजें तो होती हैं, चाय भी खैर सर्व हो जाती है। तो ये सारा जो है सिस्टम है यहाँ पे, ये मैं आपको यानी आई थिंक कि आपको काफी चीजें समझ में आ रही हैं, और जब आप इसको पढ़ेंगे नोट्स में, देखिए नोट्स तो आपने पढ़ी ही नहीं, लेकिन बातें मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद मीटिंग टर्मिनोलॉजीज कुछ आप समझ लें जो आपको जरूरी है समझना। मिसाल के तौर पर है, मीटिंग कहते हैं वॉज कॉल टू ऑर्डर। अब मीटिंग वॉज कॉल टू ऑर्डर का मतलब क्या है? ये बात अक्सर मिनट्स में लिखी जाती है कि जी मीटिंग वॉज कॉल टू ऑर्डर। अब ये पता क्या होता है, मीटिंग को फॉर्मली ओपन करना, जैसे चेयरपर्सन जो है वो एक स्पीच करता है, और रेसिटल्स भी इज अ काइंड ऑफ स्पीच होता है, या कोई अनाउंसमेंट्स होती है, या इब्तिदा करने के लिए कुछ बोलता है,
तो वो स्टार्ट करता है. तो मीटिंग वॉज कॉल टू ऑर्डर का मतलब है वॉज ओपन फॉर्मली. और जैसे मिसाल दी है, ही ओपन द मीटिंग विद अ लॉन्ग स्पीच. बाज़ुकत लोग बड़ा ही बुरा करते हैं, लंबी स्पीचेस करना शुरू कर देते हैं, लोग योनिंग शुरू कर देते हैं. और आपको बताऊं मीटिंग के बारे में, ये शायद आपके सिलेबस में तो नहीं आता लेकिन वैसे मैं समझा देती हूँ. जनरली रूल ये है, एक कहते हैं ना कि एक पूरी इंटरनेशनल ग्लोबली कंसिडर्ड रूल ये है कि मीटिंग के बेस्ट डेज जो होते हैं वो ट्यूजडे, वेंसडे और थर्सडे होते हैं बेस्ट, अनलेस अंटिल आपको बहुत जरूरत ना हो तो आप कोई और दिन रख लें. उसकी पता क्या वजह है, मंडेज जो होते हैं ना, देखो बाहर के मुल्कों की ये किताब से बता रही हूँ, उनके मंडेज जो होते हैं दे स्टार्ट एंड दे स्टार्ट लाइक अ स्नेल, जैसे टी टी की आवाजें आती है ना पुरानी बाइक में से या गाड़ी में से, वैसी आवाजें उनमें से निकल रही होती हैं क्योंकि वो दो दिन छुट्टी से आ रहे होते हैं, वो अभी तक उनका मूड सेट नहीं होता. अब आ गया मंडे तो निकाल दिया मैंने, ओके अब आपने फ्राइडे क्यों नहीं बताया, फ्राइडे भी तो वर्किंग डे है, सैटरडे संडे छुट्टी करते हैं. फ्राइडे इज समटाइम्स, आप मेरी बात सुनते हुए कह रहे हैं हाफ डे, ओके हो सकता है कहीं हो लेकिन मेरा नहीं ख्याल फुल डे होता है. फ्राइडे जो है उसमें पीपल आर इन अ हॉलीडे मूड, अभी से ही आज आखिरी दिन है, बस चमक रहे होते हैं कि किसी वक्त निकले, किसी ने आउट स्टेशन निकलना है, किसी ने किसी जगह कैंपिंग पे जाना है, किसी ने दोस्तों के साथ पार्टियां रखी हुई है, ठीक है, तो ये सारा कुछ ट्रेवलिंग करनी है तो सारा फ्राइडे इज नॉट अ गुड आइडिया. तो आपके पास तीन दिन है और फिर उसमें आफ्टरनून्स ना रखिए. आफ्टरनून में क्या है, दोपहर का खाना खा के, बाहर के मुल्कों में तो बिल्कुल नहीं है, कोई ना कोई स्नैक ले लिया, कोई ना कोई उन्होंने इवन जो होती है कैंस के अंदर होगी वो उन्होंने कोई फूड ले ली, कुछ भी खा लिया, लेकिन हमने तो जनाब रोटियां फाड़नी है, नान खाने हैं, है ना, बिरयानियां खानी है. उसके बाद क्या होगा, नींद आएगी, योनिंग करोगे, ठीक है. एंड डू यू थिंक इट्स स्मार्ट टू सिट इन द मीटिंग एंड योनिंग, अगर आपकी मीटिंग ऐसे टाइम पे आ जाए तो खुदा के लिए थोड़ा कम खा के जाइए, थोड़ा बहुत ले लें स्नैक, किसी और दिन खा लीजिए, अगले दिन खा लीजिए, रात को खा लीजिए, लेकिन रात को भी ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता. तो किसी दिन नहीं भी अगर हमने खाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो थोड़ा सा मील लेकर यू कैन सिट देयर. एक ये बात है. और दूसरी बात एक और आपको बताने लगी बिफोर, यानी आज तो मैं आपको जनरल बातें बता रही हूँ, ये सचमुच की जो मीटिंग्स हो रही है उसमें. एक दफा ऐसा हुआ कि अफसोस के साथ कहूंगी, वैसे ही ये आईसीएम में कहीं वाकया है, एक मीटिंग हुई, मीटिंग से हेड ऑफिस से लोग आए हुए थे, आई थिंक कराची से ही थे, आई एम सॉरी किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाह रही, वैसे ही बात कर रही हूँ. मुझे याद है कि उस वक्त मीटिंग स्टार्ट हुई तो पहले तो वो बेचारे जो आए हुए थे साहब जिन्होंने मीटिंग को प्रिसाइड करना था, बोर्ड रूम तो नहीं था, मीटिंग को बोर्ड रूम की तरह एक बनाया गया, उसमें तमाम फैकल्टी जो है उनसे राय लेनी थी, उनसे बताना था, उनको पूछना था, ये बात हुई. पहले तो टाइम से पहले आने वालों में सिर्फ एक तो वो थे जिन्होंने मीटिंग को एड्रेस करना था और बाकी थे कुछ सादा लोग मेरे जैसे, खुदा ना खास्ता कहेंगे, वो जनाब पहले आ गए, 10 मिनट पहले मीटिंग में बैठ गए, बाकी लोग तो टाइम पे आएंगे ना, क्योंकि हमारे जैसे शादियों में होता है ना कि वक्त पे कार्ड पे जो वक्त लिखा गया चले गए तो दुनिया के स्टूपिड तरीन इंसान हो तुम, तुम्हें तमीज ही नहीं आई अभी तक शादियों पर आने की, ऐसे ही है ना. तो एक दफा मुझे याद है हमारी एक जानने वाले थे, दे लिव इन सऊदी अरेबिया, तो वो खातून जो थी ना वो काफी देर के बाद, जो मदर थी यंग लड़के की, वो काफी देर बाद पाकिस्तान आई. जब वो आती भी थी तो एक आध लोगों को मिला और चली गई, बड़ी वो जल्दी में होती थी, वर्किंग थी वैसे. उनके जो बेटा था वो, उसका चक्कर ज्यादा लग जाता था इत्तेफाक से, अपने वालिद के साथ भी आते थे, कुछ बिजनेस भी था कुछ ऐसा. वो जब आए ना तो कार्ड के टाइम पर उन्होंने शादी कार्ड के ऊपर वो पहुंचे, उन्होंने बताया था कि जी आज का फंक्शन जो है कैनपीज लगेंगी बाहर किसी लॉन बहुत बड़े में, वहां पे वो आई, लॉन चेक किया, एड्रेस चेक किया, बिल्कुल ठीक है, हू का आलम, और उन्हें लगा कि अब 10-15 मिनट लेट हो गए, हू का आलम था वहां पे.
बड़े परेशान वो जो खातून थी वो कहने लगी, बेटा लगता है बड़े लेट हो गए हैं, शायद लेट हो गए, बड़ा आधा घंटा ही कितना लेट हो गए। उसने कहा, अम्मा ठहरो, मैं गाड़ी से उतर के नीचे टेंट जहाँ लगे हुए उसके नीचे झांक लेता हूँ, अगर हड्डियां गिरी हैं तो हम लेट हो गए, अगर हड्डियां नहीं गिरी हुई तो हम टाइम पे हैं, अभी बहुत पहले आ गए। कितने अफसोस की बात है ना ये, है ना। जब भी हम खाना खाते हैं हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, हम कब होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर देखने में एक जनरल आपको मैं एक बता रही हूँ ट्रेंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम, इवन अगर आप देखें कि जी मैं कहूँ कि कोई आर्मी में कोई फंक्शन हो रहे हैं या एयरफोर्स की हो रही है तो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड आई डोंट थिंक सो पीपल आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि ऐसी कोई सिविलियंस जो है वो ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और फिर जब खाना पे टूटते हैं देखने वाला सीन है। वापस आते हैं मीटिंग पे, तो मैं आपको बता रही थी कि मीटिंग कॉल टू ऑर्डर, मीटिंग स्टार्ट हुई, तो मीटिंग के टाइम जो है वो इवनिंग में मत रखिए, आप ज़्यादातर सुबह अर्ली ना रखिए, कोई 10 से 11 बजे का टाइम बहुत ही आइडियल टाइम है, ट्यूजडे थ्रू थर्सडे यानी 3 दिन, और उसके आगे पीछे भी ना रखें, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मीटिंग रखनी पड़ती है। इसके बाद है एडजर्न द मीटिंग, एक टर्म है नीचे आ रही, मीटिंग वॉज एडजर्न, आमतौर पे आप कोर्ट एडजर्न कह देते हैं, कहते हैं ना कोर्ट के अंदर के, असल में वो पोस्टपोन करना या सस्पेंड करने को कहते हैं मीटिंग टू अ फ्यूचर टाइम। आमतौर पे एक मीटिंग खत्म होती है तो ये फॉर्मल मीटिंग में कहा जाता है कि मीटिंग जो है अगले टाइम अगले महीने इसी डेट को होगी, फलां जगह पे होगी, लेटर टाइम पर होगी, इस टर्म को हम यूज करते हैं, ये बताती हूँ। लेकिन एक स्टेज भी होती है जो कि अगेन आई वुड से हर्टा माफी की बुक में एक स्टेज है जो आपने याद करनी है, जो नोट्स में होगा वो याद करेंगे आप, और मैं आपको नोट्स में कुछ एडिशनल नोट्स के नाम से कुछ चीज दूंगी जिसकी आप एक दफा रीडिंग कर लेना बस, ठीक है, बाकी आप नोट्स पढ़ लेना और बाकी एक दफा रीडिंग कर लेना। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ जैसे ही टॉपिक खत्म हो आपने इसके एमसीक्यूज करने हैं। अब अगर आप मुझे पूछेंगे ना कि इसके एमसीक्यूज कहाँ है, तो कैपलन का चैप्टर देखो, उसके भी एंड में होंगे। आप लोगों के पास अगर किट है एमसीक्यूज की, वहां पे देख लो, मीटिंग के टॉपिक पे होंगे। और जो आपको BC 1000 भेजे हैं वो आपको Chapter 7 के एंड में मिलेगी, और आपको जो CA की बुक है वो भी Chapter 7 के एंड में, तो आप जरा ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको ये सवाल आते हैं कि नहीं, और कुछ आपको जैसे मैंने अभी बहुत सारी बातें की हैं इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं आपको उसमें से सवाल आपसे सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और उसके डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि उसके बगैर आपको फायदा नहीं होना। इसके बाद एक टर्म आप सीखेंगे, प्रोसीडिंग इन द मीटिंग, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स क्या होती है, इसका क्या मतलब है, यानी मीटिंग की कार्रवाई, इसका मतलब है थिंग्स दैट आर सेड और डन एट अ मीटिंग, या किसी कॉन्फ्रेंस में भी होती है उसे प्रोसीडिंग कहते हैं, किसी सेरेमनी में होती है उसको प्रोसीडिंग कहते हैं, ठीक है, और ये बहुत फॉर्मल है। अब ये मैं आपको बताती चलूं, आगे जो मैंने लिखा है मिनट्स आर बेस्ड ऑन इट, यानी जो मिनट्स लिखे जाते हैं ना वो सारी प्रोसीडिंग जो हुई होती है उस पर बेस करती है। अच्छा, उसके बाद है, अब आपसे कोई फिर वही बात है, मैंने मिनट्स की डेफिनेशन लिख दी है कि मिनट्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स सेड और डन एट अ मीटिंग या कॉन्फ्रेंस। फिर एक टर्म आपने सीखनी है न्यू बिजनेस, जब भी हम न्यू बिजनेस की बात करेंगे मीटिंग के अंदर उसका मतलब पता क्या होता है, न्यू बिजनेस ये नहीं मतलब कि मैंने आज नया बिजनेस खोलना है, नहीं, न्यू बिजनेस का मतलब है न्यू टॉपिक्स अंडर डिस्कशन, आज की मीटिंग के नए टॉपिक क्या है। और ये बात क्यों कही जाती है मैं अभी आपको बताती हूँ, जब भी कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग की कनेक्टिविटी क्रिएट की जाती है पास्ट के साथ। अब कैसे कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, by reading out the minutes of the previous meeting. पिछली मीटिंग हुई थी जी मार्च में, अब जी 7-8 माह के बाद अगली मीटिंग हो रही है, मार्च में होने वाली मीटिंग के मिनट्स यानी जो रिकॉर्ड था कि मीटिंग में कौन कौन आया था, क्या क्या हुआ था, क्या क्या पॉइंट्स फॉरवर्ड कर किए गए, कौन से डिस्कशन हुए, क्या फैसले हुए, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है।
उसकी कॉपी तमाम मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कोरम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, फिर उनको पढ़ा जाता है और फिर उनको अप्रूव कर दिया जाता है कि कोई पॉइंट तो नहीं रह गया था पुरानी मीटिंग में। अगर पहली वाली मीटिंग में कोई पॉइंट रह गया था तो उसको एग्जिस्टिंग मीटिंग में अभी नई मीटिंग में डिस्कस करना होता है जरूरी, क्योंकि ये बिजनेस है, ये कोई मजाक नहीं है कि आपने पिछली दफा कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं आगे चलो आगे पिछला छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। आपने वो टॉपिक्स पे पहले डिस्कशन करना है। तो वो होता है ओल्ड बिजनेस। उसके बाद आपके पास आया न्यू बिजनेस, आज क्या क्या करना है। मैं आपको भी जो दिखाने लगी हूँ जो चीज, आप जरा देखिएगा ओरिजिनल आपके जो यानी मीटिंग आपको दिखाती हूँ कोई हुई भी है। अब न्यू बिजनेस था जी, आईटी डिपार्टमेंट में लोग बड़े कम हैं। जो लोग कम हैं यानी इसका मतलब है उसकी वर्क फोर्स थोड़ी है। वर्क फोर्स का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है, उनकी स्ट्रेंथ कम है, काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। और जिन टाइम पर हमें बहुत ज्यादा काम करना होता है, प्रेशर की वजह से हम काम कर नहीं पाते, तो क्या फायदा हुआ, कंपनी आपकी नुकसान में जा रही है। तो आपने क्या सोचा कि हमें आईटी के लिए लोग चाहिए। न्यू बिजनेस में एक पॉइंट है कि इंडक्शन करनी है, कि हम नए लोगों की इंडक्शन करेंगे तो उसमें कौन कौन अपने पॉइंट्स देगा, सोचें, दो लोग बॉस के अलावा। एक वो होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा, वो हमेशा ऑब्जेक्शन लगाएगा, क्यों, क्योंकि फाइनेंस के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं तमाम पैसे के लेन देन के हिसाब के। उन्होंने कहा नहीं नहीं खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, बस नहीं, फलान डिपार्टमेंट से इधर लोग ले आए, इधर से इधर ले आए, स्केड्यूल बना दे, ब्ला ब्ला डिस्कशन, ओके। या एचआर के लोग इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने हायरिंग करनी है, उनको एक टाइमलाइन दे दी जाएगी और फैसला हो गया कि जी आप फलान टाइम तक हायरिंग आप करेंगे, ये एक्शन आपने लेना है। बात समझ रही है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रही इनडायरेक्टली। तो क्या होता है कि मीटिंग में आपने पॉइंट पुट किया कि जी आईटी के लोग, हेड कहता है मुझे लोग चाहिए, फाइनेंस वाला कह रहा है कि नहीं आप हथौला रखिए, आप कह रही हैं जी 6 बंदे चाहिए, कहाँ से अफोर्ड करेंगे उनको, ठीक है। और कभी कभार कंपनियां क्या करती हैं, कभी कभी टेम्पररी एडहॉक हायरिंग भी कर लेती है, और कभी कभार एक जो है प्रोजेक्ट कोई टीम आ जाती है वो काम करने लग जाती है, फिर वो आपके पेरोल पे चूंकि नहीं आती तो यानी आपको सैलरी मंथली नहीं देनी तो आपको नुकसान नहीं होता कंपनी को, ठीक है, क्योंकि आपके पेरोल पे जो लोग आएंगे वो तो हर महीने आप उनको सैलरी भी देंगे, अगर कोई बोनसेस हैं कोई बेनिफिट्स हैं वो भी आप उनको देंगे, ठीक है ना, पर्क्स देंगे उनको सारे। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमने मीटिंग अभी पढ़नी है। तो नया बिजनेस में एक ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने क्या देखा कि एक और पॉइंट आ गया, मिसाल के तौर पर कहने लगे कि जी सेल फलां जगह डिक्रीज हो गई है, चले इसको देखते हैं, सेल वाले अपने पूरे हथियार लेकर आएंगे, रीजन बताएंगे, वो कहेंगे जी हमारी मशीनें थकी हुई हैं, हमारी डिजाइन ठीक नहीं है, कुछ ऐसी बातें करेंगे, हमारी मार्केटिंग के पैसा नहीं लगता, इस तरह की बातें करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग वाले जंप लगाएंगे तो डिस्कशन हो जाएगा, फिर उस पर एक इस मसले को रिजॉल्व किया जाएगा, हर मसले को रिजॉल्व किया जाएगा, एक फैसला होगा, ठीक हो गया। फिर आ जाएंगे एडमिन वाले, एडमिन वाले कहेंगे जी गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं, जब हम चीजों को सप्लाई करते हैं या हम चीजें लेकर आते हैं तो रस्ते में खड़ी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, फ्यूल ज्यादा खाती हैं, रिपेयर के ज्यादा पैसे लग रहे हैं, इसको ठीक कराएं, इसको चेंज कराएं, ये बात भी हो सकती है। इस पर फिर कौन खड़ा हो जाएगा, फाइनेंस वाला, और फिर एडमिन वाले रिजॉल्व करेंगे, एक फैसला हो जाएगा कि ये एक्शन लिया जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप गाड़ियों को रिप्लेस करेंगे नई गाड़ियों से, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आती है, तो ये नए न्यू बिजनेस है। इसके बाद है एनी अदर बिजनेस, एक टर्म आप सीखेंगे, उसे कहते हैं AOB, उसकी एब्रीविएशन है AOB, एनी अदर बिजनेस,
उसका पता क्या मतलब है? जो प्रेसिडेंट है उसका उसको ये उसका यानी ये जिम्मेदारी है कि ही और शी जो भी चेयरपर्सन है इज गोइंग टू अनाउंस दैट डू यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस फर्दर एनी पॉइंट्स दैट्स एनी अदर बिजनेस. Somebody is going to say, oh, yes, we have to discuss this. And they are going to give you their points. And uske upar baat hoti hai. Aur unanimously, collectively, hum ek decision le lete hain. To ye hai aapke kuch. Aur resolution ka matlab hota hai, koi, yani, faisla karna. Theek hai? To ye isko resolution kehti hai. Faisla karna. Aur ek main aapko baat batau. Resolution ka Urdu ka matlab hai, qarardad. अब ये करारदाद से क्या याद आ रहा है? 1940, 23 मार्च एक जो मीटिंग होती है बहुत बड़ी, कायद आजम इज द लीडर, और फैसला किया जाता है कि पीपल हु आर मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी दे नीड टू हैव अ सेपरेट होमलैंड. जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स वहां पे वहां मूव करेंगे और वहां पर उनको अलग मुल्क मिलेगा जिसके ऊपर वो अपनी अपनी जो रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकेंगे. और उसका नाम हमने फॉर्चुनेटली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा, जिसको हम बाद में भूल गए. ठीक है ना? और आप यकीन करें, ये जो बात करने लगी हूँ मैं, कभी आपको जो लाहौर में रहते हैं, ये लाहौर के करीब हैं, या कभी लाहौर में आपका आना हो, मीनार पाकिस्तान अगर आप विजिट करें, वैसे तो आप कहेंगे थकी हुई जगह है, क्या देखना इस पर, लोग कहेंगे, लेकिन नहीं, एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ योर हिस्ट्री है. वहां पे जाएं अगर कभी आप, उसके नीचे ना पेटल्स के साथ साथ ना तख्तियां लगी हुई हैं. उन तख्तियों पे कायदे आजम के कोट्स हैं, कोटेशंस, पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर पाकिस्तान के बनने के बाद तक कोट्स हैं. आप यकीन करो, मैंने जब उसको जब मैं गई, बखाल में जिंदगी में दो दफा गई हूँ, कोई गेस्ट आए हुए थे उनको लेके गए हुए थे, तो मैंने वहां पे तख्तियों को ध्यान से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा. क्रोनोलॉजिकल समझते हैं आप, जमाने की तरतीब के मुताबिक, वक्त की तरतीब के मुताबिक. मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा, तो मुझे अब डेट बिल्कुल भूल गई है, आपको शायद इंटरनेट पर भी तस्वीरें मिल सकती हैं. तो वहां पर उन्होंने, कायदे आजम ने फरमाया कि हमें बनाना चाहते हैं, मेरे नौजवान आगे बढ़े. नौजवानों के लिए एड्रेस किया जाता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, दे वर्क. ठीक है? और फिर अनफॉर्चुनेटली नौजवानों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं लोग जो कि पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, क्योंकि वो जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं. तो वैसे भी नौजवान जो है उन्होंने तो ही आगे जाके अपना फ्यूचर बनाना होता है, इसलिए तो उनको कहा गया. और अलामा इकबाल ने भी नौजवानों को बहुत मुखातिब किया है. ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जी हम एक कंट्री बनाएंगे, उसमें ये होगा, बताया. फिर करते 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 पाकिस्तान बना, बन गया. और आप यकीन करें, जो आखिरी उनका जो कोट है ना, उसमें ऐसे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि इंसान के बच्चे बन जाओ, जिसलिए तुम्हें मिला था मुल्क तुम नहीं कर रहे. उनका ये पॉइंट था कि हम मुल्क को स्ट्रांग करेंगे, एजुकेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे. और आप यकीन करें, हम एजुकेशन अगर बढ़ा लेते, करप्शन ना आती, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंचे होते हैं, बहुत ज्यादा दूर. सिंगापुर के एक साहब हैं, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी, देख रही थी बल्कि, उसने इतनी जबरदस्त बात की है. चंद साल पहले वो बताता है कि इतने पुराने दूर नहीं पहुंचे, जब हमारे मुल्क में भी लोग जो है बिल्कुल ऐसे कि रेडियो पे सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी किसको स्ट्रांग किया, हुकूमत को, और उन्होंने मेरिट पॉलिसी फॉलो की. उन्होंने जब ट्रू मेरिट पॉलिसी फॉलो की, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आते थे, उनको उन्होंने हेड्स बनाया. तो उन्होंने ऐसी तरक्की की है कि अब लोग जाके सिंगापुर जाना, एक मिसाल, एक सिंगापुर की नहीं, बहुत से लोगों की है, बहुत से मुल्कों की है, एक मिसाल दे रही हूँ कि वहाँ पर विजिट करना हम बड़ा ऑनर समझते हैं कि हम काश वेकेशंस पे वहाँ जाएं. ठीक है? इज वन ऑफ द कंट्रीज. तो ये बताने लगी हूँ कि बिल्कुल ऐसा हुआ था. तो मैं ये बताने लगी हूँ, 1940, 23 मार्च को जो मीटिंग हुई, उसमें रिजॉल्व किया गया, इट वॉज रिजॉल्व, और रेजोल्यूशन पास हुआ. वो रेजोल्यूशन का मतलब है कि फैसला हुआ, और मेजॉरिटी ने वोट किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए.
बाद में ये बात बड़ी एक पब्लिक हुई, लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी, उसकी बहुत सारी वजूहात थी। लोग पॉलिटिकली अपने आप को चाहते थे कि हम शायद पाकिस्तान की पार्टीशन या इंडिया की पार्टीशन ना हो, और कुछ लोग जरा सैनिटी ये लेकर आ रहे थे जिनमें कोई यानी कोई दो नंबरी वाली बात नहीं थी। वो समझते थे कि ज्वाइंट इंडो पाक जो था है, वो एक जाइंट कम्युनिटी बनेगी, एक इतनी बड़ी कम्युनिटी बनेगी जो कि दुनिया को इंगल्फ कर जाएगी, जैसे कि चाइना आजकल बन गई है, ठीक है ना। और आपको पता है अंग्रेज नहीं चाहता था, अंग्रेज का ये प्लान था कि वो टुकड़े करके जाएंगे और ऐसी फजा बनाएंगे कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये जहां तक किताबें बताती हैं मैं आपको कम्युनिकेट कर। तो ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था, मीटिंग पे फिर वापस आते हैं, आज बहुत स्टोरीज हो गई, कि आपने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, फिर एक टॉपिक आपको याद रखना है, ये मैं आपको जाहिर नोट्स में दूंगी, वो है जी, थोड़ा सा बस टाइम रह गया 9 मिनट्स, कि आपका जो चार आपकी स्टेजेस आएंगी जब भी आप मीटिंग रखेंगी, मैं आपको कुछ मीटिंग्स के टाइप्स बताऊंगी आपको इंशाल्लाह कल नोट्स के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उन स्टेजेस में पहली स्टेज आती है जब हमने कोई मसला हल करना है, हमारा कोई झगड़ा है, कोई मसला है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या कोई नया फैसला करना है, तो पहली स्टेज को कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग का मतलब है बनाना, आपने शेप देना। इसमें क्या होता है कि इस वक्त बहुत लोगों को कुछ एक दूसरे का पता नहीं होता, बैठ जाते हैं, गाइडेंस की जरूरत होती है, हर बंदे को नहीं पता कि मेरा क्या रोल है, बस आके बैठा होता है। अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग में, ये जो कि आपकी हर्टा मर्फी की बुक में है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगी और ये आपने याद भी करना है। उसके बाद है जिसमें लिखा है प्रोसेस यूजुअली नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड, मैंने पॉइंट पढ़ रही हूँ, फॉर्मिंग में अभी कोई पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं आपने किए। स्टॉर्मिंग स्टेज होती है जिसमें कि आप एक दूसरे को, आप अंडरस्टैंडिंग हाउ टीम डिसीजंस आर मेड एंड पर्पस इज क्लियर, बट टीम रिलेशनशिप नॉट क्लियर, ब्लरी, नॉट क्लियर। अभी टीम जो है वो अपने उसके पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं होते। नॉर्मिंग स्टेज आ जाती है, थोड़े से लोग एक दूसरे के रिलेशन को समझते हैं टीम में, कि मेरा क्या रोल है, तुम्हारा क्या रोल है, एंड कमिटमेंट टू टीम गोल की तरफ आते हैं, और ऑप्टिमाइजिंग टीम प्रोसेस यानी टीम को बनाने में और एक फैसला करने में ऑर्गेनाइज टीम बनाने की तरफ चल पड़ते हैं। और उसके बाद लास्ट है परफॉर्मिंग, उसमें टीम जो है कमिट करती है कि हमने क्या करना है, फोकस करती है अपनी स्ट्रेटजीज को, हमने क्या अडॉप्ट करनी है, और टीम जो है वो इसको यानी फैसलों की तरफ जाती है। इसी चीज को 5 स्टेजेस पे एक और जगह पे पढ़ाया गया है, जैसे तस्वीरें आपको शो कर रही है, इंटरेस्टिंग है ये पिक्चर, ये मैं आपको जब कल नोट्स बताऊंगी साथ ही आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप में। फॉर्मिंग स्टेज है जिसमें टीम एक दूसरे की सलाम दुआ करती है, एक्वेंट्स का मतलब है एक दूसरे से मिलना, और कुछ जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, लेकिन अभी लोग एक दूसरे को स्ट्रेंजर होते हैं, एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हैं ज्यादातर, यानी स्ट्रेंजर का मतलब ये नहीं है कि मैं तो अपनी कंपनी से उठ के आया हूँ, मैं तो जानता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं होता अगर कोई प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग का, ग्रुप मेकिंग का ये प्रोसेस है। उसके बाद स्टॉर्मिंग होती है, आपने देखा है एक ने हथौड़ा पकड़ लिया, एक तलवार पकड़ ली है, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हैं लोग। ये क्या करते हैं, हर बंदा अपने अपने पॉइंट्स लेकर आता है, ठीक है, और वो अभी हॉस्टिलिटी शो करते हैं, यानी एक दूसरे को लगता है पॉइंट नहीं समझ रहे। नॉर्मिंग स्टेज आती है जिसमें एक दूसरे को लेके चलते हैं, अगर कोई नीचे गिरा है उसको ऊपर ले आओ, ठीक है, आप अपने सफर पे निकले हैं, ग्रुप टीम बननी है। परफॉर्मिंग मीन सारी अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और यहाँ पर हायरार्की जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर बंदा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। और सबसे आखिरी स्टेज आती है जर्नी, इसमें क्या होता है, जो लोग देखते हैं कि अगले वक्त में हम क्या करेंगे और क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। ये बस ये पॉइंट्स है, ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, कल मैं इसको पहले ब्रीफ कर दूंगी फिर आपको नोट्स पढ़ा दूंगी। मैं अब जरा क्वेश्चन देख लेती हूँ आपके क्वेश्चन, क्योंकि टाइम जो है वो इज अबाउट टू बी डन।
आपने पूछा है कि अब क्लास जो है फ्राइडे सैटरडे संडे को ही होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही, अगले वीक से ऐसे ही होगा। इस वीक में डबल कर दी है टाइम को वेल करने के लिए। जी आप थे जहां से पूछ रहे थे मुझे। अब आप अब्दुल हना, आप पूछ रहे टीचर प्लीज शेयर सीवी टेम्पलेट्स इन ग्रुप एंड प्लीज ट्राई टू शेयर एवरीथिंग ग्रुप प्लीज स्पेशल रिक्वेस्ट। मैं एक बात आपको सिर्फ बता रहा, मैं मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं सीआर वगैरह को बार बार कहती हूँ कि आपको शेयर करें। आप ऐसा कीजिए सीआर और जीआर, या फिर जीआर जो है शायद उसको मैं, वो स्टूडेंट जो मेरा रेगुलर क्लास पढ़ती है उनको मैं एडमिन बना देती हूँ। एक दफा जितना पीछे मटीरियल आप शेयर कर चुकी हूँ मैं, एक दफा सब भेज दीजिए ग्रुप्स के अंदर, ताकि जो लोग लेट भी आए हैं उनको क्लैरिटी हो जाए। अगर आप ऐसा ना करें कर सके तो फिर मैं शायद मैं खुद कोशिश कर लूंगी संडे में, मैं आपके साथ ये कर लूँ कि मैं सारी चीजें जो है आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी तक जो है वो आपको किया है। अब सीवी की टेम्पलेट जो है आपको, मैं सीवी वैसे तो अभी जितना आपको किया था उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, पढ़ाऊंगी आपको। सीवी की टेम्पलेट्स अगर आपको अच्छे चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेम्पलेट्स पढ़ें प्लीज, पहले उसको देख लें। वो आपके लिए आसान है, वो इजीली आप लेंगे वहां से डाउनलोड करके, अपना मटेरियल बीच में डाल दें। लेकिन चले मैं आपको थोड़ी सी उसकी जो है वो चीजें शेयर कर लेती, मैं आपके साथ जरूर कर लेती, ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके बाद जहाज़ेब अहमद पूछ,